अच्छा जी, तो दोस्तों मैं इस वक्त वो वाला डॉक्यूमेंट खोल चुका हूँ जो हमने लास्ट क्लास में बना लिया था, वो खोल चुका हूँ। बड़ी जल्दी आ रहे हो भाई तुम। गेट लॉक कर दो ये वाला, अब जो भी आएगा बाहर खड़ा होगा। अच्छा, उसी के साथ साथ हमने क्या कर लिया था। अच्छा, वो वाली ड्राइंग तो चली गई, हम एक दूसरी ड्राइंग बना लेते हैं। असल में उस दिन शायद मेरे पास ये चल नहीं रहा था, तो मैंने किसी और सॉफ्टवेयर पे बना दिया था। तो हम एक चुन्नी मुन्नी से ड्राइंग दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एक टिपिकल स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे अभी तक हम जो बना चुके हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या हमने बना लिया है। एक अदद हमने नैव बार बना लिया था, राइट, और नैव बार का जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक अदद नैव बार हो चुका था। अच्छा, उस नैव बार के अंदर हमने क्या बना लिया था, एक अदद छोटा सा लोगो बना के उसके अंदर प्लेस कर दिया था हमने नैव बार के अंदर। तो ये लोगो बना के यहाँ पे मैंने नैव बार के अंदर प्लेस कर दिया, राइट। थोड़ा सा इसको मैंने दूर भी किया था, इस तरफ मार्जिन देके। अच्छा, उसके अलावा क्या किया था हमने, व्हाट इज दैट, उसके अलावा हमने कुछ मेन्यू के बटन्स बना लिए थे। ठीक है, 2-3-4 कुछ हमने इसके करीब मेन्यू के बटन्स बना लिए थे। तो मैं यहाँ पे 4 मेन्यू के बटन्स बना देता हूँ फिलहाल। खोलना ज़रा ये। जी प्यारे दोस्त, आप बाहर तशरीफ़ रखें, आपसे कह रहा हूँ, इसी यही बताने के लिए गेट खोला है। बाहर खड़े हो जाएं आप, ठीक है, क्योंकि आप आए हैं 10 मिनट लेट। नहीं नहीं 10 मिनट लेट हैं आप बाहर खड़े हो जाएं, और आप अभी जो भी आएगा अब वो बाहर खड़ा होगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में खुद अंदर बुलाऊंगा आपको। ये पनिशमेंट है आपकी, एक छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी। हाँ, दोबारा बंद कर दो। 6:50 पर मुझे याद दिलाना, मैं अंदर बुलाऊंगा। वैसे तो ये कोई वो वाली क्लास है नहीं कि बच्चों वाली जिसमें पनिशमेंट दी जाए। वेल, अच्छा, तो इस तरह करके हमने कुछ मेन्यू के आइटम्स बना लिए थे। इन सब का जो है मैं जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा बोल्ड हो गई है स्क्रीन पे आपके नज़र आए। ठीक है, मैंने 5 पिक्सल कर दिया इसके इसका साइज़ ताकि ये थोड़ा बड़ा सा हो के आपकी स्क्रीन पे नज़र आए। अच्छा, आज हम जो काम करेंगे अगला, हम आज लेआउट इसका कंप्लीट करके और वापस बुक के जो चैप्टर्स बचते थे हमारे वो कोशिश करेंगे हम आज की ही क्लास में हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब हमें जो बनाना है वो हमें बनाना है नीचे का सेक्शन, इसके नीचे का जो भी पॉसिबल हमारा सेक्शन हो सकता है वो हमें बनाना है, जिसकी हमें हाइट नहीं पता कि हाइट उसकी क्या होगी। हाइट जितना हमारा डॉक्यूमेंट होगा उतनी बड़ी उसकी हाइट होगी। ठीक है, हमें उसकी हाइट नहीं पता, हम एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर अब क्या क्या चीज़ होगी, या डॉक्यूमेंट कह लो या कंटेनर कह लो, जो जिसमें हमारा एक्चुअल कंटेंट होगा, ये वो वाला कंटेनर है अब हम जो बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारी 2 से 3 तरह की चीज़ हो सकती है। ठीक है, हम इसी पेज की एक कॉपी बना के 2 तरह के हम लेआउट सीखेंगे। नंबर 1 लेआउट हमारा होगा गैलरी टाइप का लेआउट। ठीक है, उसमें क्या होगा भाई, इस तरह से ना एक हमारे पास फ़ोटो होगी जो जो रिपीट हो रही होगी, राइट। ये एक फ़ोटो है मेरे पास, अब ये हमारे पास इस तरह से रिपीट हो रही होगी और जितनी जगह इसके पास अवेलेबल होगी, दोनों को मैंने पकड़ा और इसको मैंने आगे यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अभी आप नोट करें, जो मेरी लास्ट वाली फ़ोटो है वो क्या हो रही है, स्क्रीन से बाहर जा रही है। ऐसी सूरत में क्या होगा, जो स्क्रीन से बाहर जाने वाला आइटम है वो नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, जो स्क्रीन से जो जो आइटम बाहर जा रहा है वो यहाँ पे आके लग जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हो जाना चाहिए। अगर मैं स्क्रीन को बड़ा करूँ
तो वो वापस ऊपर चला जाए। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से होगा ये कौन बता सकता है? रैप करके चीज़ है। ठीक है, अच्छा फिर हम ये चाहेंगे कि ये पूरी चीज़ क्या हो जाए, ये पूरी चीज़, अब जाहिर है जब स्क्रीन छोटी हो रही तो साइड में क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ जगह बच जा रही है, तो मैं उसको फिगर आउट करने के लिए कि उसके साथ मैं क्या करूँ, मैं इस पूरी चीज़ को सेंटर में करना चाहूँगा। मैं ये सारा सेलेक्ट नहीं हुआ आई थिंक, ठीक है, ये पूरी चीज़ मैं सेंटर में कर दूँगा ताकि जब स्क्रीन छोटी बड़ी हो तो एक कोने पे यानी राइट हैंड साइड पे ज़्यादा या कम ना हो स्पेस, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ज़्यादा कम ना हो, दोनों साइड में इवन रहे स्पेस मेरा। अच्छा तो हमें अब ये चीज़ अचीव करनी है। अच्छा कौन मुझे बता सकता है अभी तक के एक्सपीरियंस के बेस पे कि ये चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं? क्या अभी जो मेरे कंटेनर्स हैं ये इनफ है या मुझे और कंटेनर्स बनाने पड़ेंगे? क्या मुझे और कंटेनर्स बनाने चाहिए इसके लिए या बनाने पड़ेंगे मुझे? अच्छा एक तो हम बनाएंगे ये वाली चीज़, अच्छा एक चीज़ हम और बनाएंगे वो मैं यहाँ बना देता हूँ इसी के नीचे ही। ठीक है, अब इसके अंदर की चीज़ें मैं क्या कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ। अच्छा दूसरा जो लेआउट बनाएंगे हम वो एक टिपिकल वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे। ठीक है, टिपिकल वेबसाइट का जो लेआउट होता है वो किस तरह का होता है कि उसमें एक हेड नेव बार तो सब में सेम होता है। एक टिपिकल वेबसाइट का जो लेआउट होता है, यार गेट खोल के बुला लो सबको, देखो दो तीन जितने खड़े हैं बुला लो। अच्छा तो एक टिपिकल वेबसाइट का जो लेआउट होता है वो किस तरह का होता है, उसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल पे और हमें लिखना पड़ेगा, एक मोज़िला का डॉक्यूमेंट है वेबसाइट एंड डॉक्यूमेंट लेआउट है गालवन, देखते हैं यह स्ट्रक्चर है। ठीक है, वेबसाइट एंड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, ये आपके सामने टाइटल आ चुका है इसका। वेल तो इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने ब्रीफली बताया है कि हमारे पास एक लेआउट में ना क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक अदद होता है हेडर, वेल हम इसको नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं। एक अदद हेडर है मेरे पास, एक अदद मेरे पास क्या है, साइड बार है जिस पे वो रिलेटेड करके लिखा हुआ है पिंक कलर का जो साइड में। एक मेरे पास मेन कॉन्टेंट है, जो मेरी वेबसाइट का मेन कॉन्टेंट है वो आ चुका है मेरे पास, और एक लास्ट में मेरे पास फूटर है। ठीक है, इन्होंने लास्ट में यहाँ पे टैग्स भी बताए हैं। हम ये वाला टैग, अगर मैं इसको जूम इन कर दूँ थोड़ा सा, ओहो अच्छा, ये हैं वो सारे टैग्स जो एक टिपिकल वेबसाइट के लेआउट में या स्ट्रक्चर में जो शामिल होते हैं। नंबर एक होता है हेडर, नंबर दो होता है नेव बार। अच्छा हमने जो है ना नेव बार बनाया, सिर्फ हमने हेडर अलग से नहीं बनाया। ठीक है, हमने हेडर क्या किया है, अलग से नहीं बनाया। कुछ वेबसाइट्स में आपने ये देखा होगा कि एक पट्टी ऊपर अलग होती है जिसमें लोगो होता है और कुछ कंपनी के बारे में बात लिखी हुई होती है। ठीक है, या सम टाइम कोई नोटिस लगा हुआ होता है नेव बार से भी ऊपर, तो उसके लिए ना ये हेडर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है ज़्यादातर जो नेव बार होता है उसके अंदर ही सब कुछ होता है, कंपनी का लोगो वगैरह नेविगेशन सब उस नेव बार के अंदर ही होता है। ठीक है, ये वाला ट्रेंड थोड़ा अभी कम हो गया है कि अलग से एक हेडर होगा फिर नेव बार अलग से होगा, वरना थोड़े अगर 4-5 साल पुरानी कोई वेबसाइट है अगर अपडेट नहीं हुई, या फेसबुक का ही अगर आप 4-5 साल पुराना वाला वर्जन देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये दो अलग अलग क्या है। वेल उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन कॉन्टेंट। अच्छा मेन कॉन्टेंट के लिए मेन का भी टैग इस्तेमाल होता है, सेक्शन का भी आप कर सकते हैं और डिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन का इस्तेमाल कर लेंगे हम। ठीक है, सेक्शन का भी इस्तेमाल होता है, मेन का भी होता है। ठीक है, डिव क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरल हो जाता है, ठीक है, तो डिव हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद है साइड बार। साइड बार आपका लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है। अगर आप फेसबुक की मिसाल लें, फेसबुक का जो एक टिपिकल पेज खुलता है उसमें साइड बार जो है लेफ्ट साइड पे होता है।
ठीक है, इन्होंने जो एग्जांपल दिखाई थी थोड़ा सा ऊपर, उसमें साइड बार राइट साइड पे था, तो साइड बार राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, दोनों साइडों पे भी हो सकता है। ठीक है, फेसबुक में जब आप कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनमें दोनों साइड पे साइड बार आ रहा होता है, बीच में कंटेंट होता है, तो वो राइट साइड पे ज़्यादातर एड्स वगैरह चला रहे होते हैं, ठीक है, ग्रुप की सजेशन वगैरह दे रहे होते हैं आपको, तो राइट साइड उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए थोड़ा सा रिजर्व किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे ऑन अदर हैंड कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वो लेफ्ट साइड पे आप ही के फेवरेट्स और मुख्तलिफ उसमें नेविगेशन के ऑप्शंस होते हैं कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए असाइड का आप टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे टैग्स इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये सारे का अगर मैं ना भी लगाऊँ टैग, सबकी जगह डिव लगा दूँ, नॉट अ प्रॉब्लम, कुछ भी बदलेगा नहीं, सब कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा पहले दिखता था आपके पेज पर। ठीक है, लेकिन इन टैग्स को लगाने का मकसद ये है कि कोई मशीन जब आपकी साइट पे आती है तो उसको पता चलेगा कि अच्छा ये साइट बार है। ठीक है, तो उसके लिए ये मोर सिमेंटिक। अच्छा, एक है फिर लास्ट में फूटर। फूटर जो है वो जैसे हमने लास्ट टाइम एप्पल की साइट देखी थी, उसमें जब आप नीचे गए थे तो एक डार्क सा एक सेक्शन था, उसमें काफ़ी सारा कुछ लिखा हुआ था, तो वो काइंड ऑफ फूटर है। ठीक है, जो हर पेज में उनके नीचे वो एक सेम सेक्शन आ रहा होता है, उसमें कुछ बातें उन्होंने फिक्स की हुई हैं पहले से ही, तो वो फूटर होता है। उसके लिए फूटर का आप एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कुछ कोड लिख के भी बताया हुआ। अच्छा, ये मैं कौन से साइट पे खड़ा हूँ, ये मैं डिवेलपर डॉट मोज़िला पे खड़ा हूँ। ठीक है, MDN इनकी वेबसाइट का नाम है, मोज़िला डिवेलपर, पता नहीं एन का क्या मतलब है, वेल तो बड़ी अच्छी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है जावास्क्रिप्ट को लेकर भी और HTML को लेकर भी। और जब भी आप कुछ सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो W3 स्कूल के साथ साथ ना इसका भी लिंक आ रहा होता है। ठीक है, तो सर्च इंजन में इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, तो लोग काफ़ी यानी इसको पसंद करते हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशन का जो स्टाइल है। वेल, तो ये डॉक्यूमेंट है, इसको अगर आप पूरा पढ़ लें अलग से घर जाके तो क्या ही अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जितना हमने पढ़ लिया उतना भी इनफ है। तो ये इन्होंने कुछ कोड वगैरह लिख के बताया है कि भाई आपकी बॉडी शुरू हो रही है, बॉडी के अंदर एक हेडर है, ठीक है, हेडर के बाद नेविगेशन बार है, तो क्योंकि जो इन्होंने बताया एग्जैक्टली उसी तरह का बना के दिखाया है। ठीक है, उसके बाद मेन इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, मेन के अंदर कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं, उसके बाद फूटर स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, इसका कहीं पर नीचे विजिबल वो भी दिख रहा होगा। अच्छा, इन्होंने डिस्प्ले करके नहीं दिखाया कि वो कैसा है। वेल, कुछ इस तरह की चीज़ इन्होंने बनाई है। वेल, इसको हम बंद करके फिर वापस हमारे इस वाले पे आ जाते हैं। अब हमारे पास जो बॉडी है मेरी, जो मेरी मेन बॉडी है, उसके अंदर मैं खड़ा हूँ, उसके अंदर नेविगेशन बार मैं बना चुका हूँ। अब ये जो सेकेंड वाला कंटेनर मैंने बनाया, ये क्या है, ये मेन का कंटेनर है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं मेन के कंटेनर को क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, सही है, और थोड़ा सा ऐसे करके मैं यहाँ पे एक आधा साइड बार भी बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक आधा साइड बार बना दिया। अच्छा, साइड बार की मुझे हाइट पता होती है कि कितना होगा। ठीक है, उसमें 10, 12, 15 जो लिंक हैं वो उतने ही होंगे बस। तो ये मैंने साइड बार बना दिया जस्ट इन केस। अच्छा, साइड बार को हम हाइट भी कर देते हैं समटाइम, ज़रूरी नहीं है कि साइड बार हमेशा ही सामने रहे, तो हमारी इस तरह का एक हो जाएगा। अच्छा, फिर जब हमारा ये पेज ख़त्म होगा, इस पेज के लास्ट में हमारे पास एक आदत फूटर होगा, जो कि बिल्कुल जैसे नेव बार टॉप पे आ रहा है, इसी तरह वो नीचे फूटर आ रहा होगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर हम बनाएंगे कुछ हेडिंग्स और कुछ पैराग्राफ्स वगैरह इसके अंदर बना देंगे हम। तो यहाँ पर टेक्स्ट है मेरे पास, यहाँ पर मैं एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ, इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट होगा। वेल, टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। तो एक इस तरह का हम टिपिकल लेआउट बना लेंगे। इसमें और कुछ ऐसी चीज़ है जो एक बहुत कॉमन वेबसाइट में होती है, कोई ऐसी चीज़ है कि वो प्लान में हमने ऐड ना की हो? वेल, हम कोई भी मोस्ट कॉमन वेबसाइट खोल के देख लेते हैं, जैसा कि हम बल्कि वही वाली खोलते हैं ना, मोस्ट कॉमन वेबसाइट लिखता हूँ जस्ट इन केस कि अगर कोई चीज़ मिस ना हो गई हो। wikipedia.org, विकीपीडिया का कोई भी पेज ओपन कर लेते हैं हम। एक टिपिकल सा एक पेज है ये विकीपीडिया का। टेक्स्ट के साथ इमेज लगाना, ये तो हमने बुक में बहुत पहले ही देख लिया था, नॉट अ बिग डील।
तो आप देखें एक टिपिकल स्ट्रक्चर में ना यही होता है, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। इन्होंने साइड बार कहाँ पे लगाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे लगाया हुआ है, हमने राइट साइड पे कर दिया है, ठीक है। अच्छा इनका जो साइड बार है वो शायद उसको हम जूम करके देखते हैं, नहीं इनका हाइट नहीं होता, इनका फिक्स रहता है, ठीक है। एक मेन इनका कॉन्टेंट है, ऊपर इनके नेविगेशन बार है, मोर लाइक टैब्स, नेविगेशन बार इनका काइंड ऑफ टैब है वो, नॉट हाँ सर्च बार हमने एक नहीं लगाया, ठीक है। एक सर्च बार भी हो सकता है एक टिपिकल वेबसाइट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहीं सर्च बार को भी ऐड करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम सर्च बार, वैसे तो असल में होना चाहिए उसको यहाँ पे, हम ऐड करते हैं गालबन, ये बेस्ट जगह लग रही है मुझे फ़िलहाल तो। यहाँ पे ना हम एक इसका सर्च बार ऐड कर लेते हैं, सही है, इस जगह पे एक सर्च बार होगा। तो ये हम बनाते हैं जल्दी से, ये दो लेआउट हमने प्लान कर लिया है कि यार ये हमने बनाना है, और इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, और फिर हम वापस अपने बुक के जो बचे हुए चैप्टर्स थे उनको कंप्लीट करते हैं। CSS आज होपफुली हम कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा आ जाते हैं जी हम अपने वो रेफरेंस का डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं जो हम लास्ट टाइम फॉलो कर रहे थे, क्या नाम था उसका, क्या यार, फ्लैक्स बॉक्स, अबे क्या हो गया उसको, व्हाट हैपेंड, चलो भाई ये तो क्या, तुम लोगों के पास भी बंद हो गया यार, नहीं वो हो आ तो रहा है, कनेक्टेड तो है, अच्छा चलेगा भाई चलिए, शायद रीस्टार्ट वगैरह किया होगा इन्होंने, यार ये क्या सीन है, असल में इंटरनेट का तो इशू नहीं है, मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लूँगा, मगर ये जो कनेक्ट है ना ये भी इसी से कनेक्ट है, अच्छा ये कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड तो है ये, अच्छा एक काम मैं और भी कर सकता हूँ, एक काम मैं और भी कर सकता हूँ, मैंने एक ऐसा जुगाड़ कर लिया कि ये वाईफाई से भी कनेक्ट रहेगा और इंटरनेट मेरे फ़ोन से यूज़ कर लेगा, सही है। अच्छा तो ये हम जनाब आ गए उसी रेफरेंस डॉक्यूमेंट में जिससे हम लास्ट टाइम हम अपनी चीज़ बना रहे थे, ठीक है जी। ये हमने रेफरेंस के तौर पे साइड में ओपन कर लिया और ये हमारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। अच्छा अब हम कोड में चलते हैं अपने और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हमने पहले से सोच ली हैं कि भाई ये करना है वो हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। ये हमारा नैव बार है, इसको हम छोड़ देते हैं। नैव बार के बाद मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, कॉन्टेंट भी रख सकता हूँ नाम उसका, मेन भी रख सकता हूँ, तो मैं मेन रख लेता हूँ क्योंकि MDN पे मेन लिखा हुआ है तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा सही है। अच्छा ये मुझे को पायलट कुछ सजेशन दे रहा है लेकिन आई थिंक ये वाला मैं सजेशन नहीं लूँगा इससे, मैं जो है ना जल्दी से खुद से ही बनाऊँगा। अच्छा इस मेन के अंदर मुझे क्या बनाना है, एक अदद मुझे साइड बार बनाना है और एक अदद मुझे क्या बनाना है, एक डिफ बना लूँगा मैं, ठीक है
क्योंकि साइड बार जो वो मेन के अंदर होता है ये तो उन्होंने बताया था, लेकिन मेन के अंदर और क्या क्या होता है वो मेरा डिसीजन है। ठीक है, तो काइंड ऑफ मैं क्या करूँगा, ASID aside हो गया ये मेरा। ठीक है, ये मेरा साइड बार है। अच्छा, ये मेरा साइड बार है, उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, एक अदद div बना लूँगा। अच्छा, अब इस div को मैं क्लास असाइन कर दूँगा कि मेरा ये कंटेंट है, राइट। सही है, यही क्लास का नाम होना चाहिए आई थिंक। इसके इसको मैं क्लास दे देता हूँ असाइड। ठीक है, जो इसके टैग का नाम है वही इसके क्लास का भी मैं नाम मैंने रख दिया। अच्छा, अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, अभी ये दोनों किस तरह से मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं, इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग लगा देते हैं कुछ, ताकि मुझे दिख जाए कि भाई ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ लिखना भी पड़ेगा मुझे, अदरवाइज ये नज़र ही नहीं आएंगे स्क्रीन पर। साइड बार, तो मैंने एक पे हेलो लिख दिया, एक पे मैंने साइड बार लिख दिया। अभी जो ये डिस्प्ले हुए हैं ये कुछ इस तरह से हुए हैं। ठीक है, हेलो टॉप पे हुआ है और साइड बार उसके नीचे हुआ है। हालांकि मुझे ये चाहिए किस तरह से, एक मुझे राइट पे चाहिए साइड बार, जो कि मैंने सोचा है राइट पे होगा मेरा, और एक मुझे चाहिए हेलो का जो कंटेनर है, जो जस्ट एक डिव है, वो मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए। अच्छा, अब ये करने के लिए मुझे काम क्या करना होगा, डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन। अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन जो डिफ़ॉल्ट है वो ये वाली है, जो फर्स्ट जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है, इसको बोलते हैं रो। तो ये मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं है, देखें यहाँ लिखा हुआ भी है कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जो है ये डिफ़ॉल्ट है। बट ये जब ही डिफ़ॉल्ट होगा जब फ्लेक्स बॉक्स के डोमेन में दाखिल होऊंगा मैं। फ्लेक्स बॉक्स के डोमेन में कैसे आऊंगा मैं, इसका जो पेरेंट है, जो भी कंटेंट है जिनको मैं चाहता हूँ कि साइड बाई साइड हो जाए लेफ़्ट से राइट की तरफ, भाई इतना लेट आना अलाउ नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ, एक्सक्यूज़ का मैं क्या करूँगा, लेट मगर नहीं आया करूँगा। अच्छा, देखो क्या बता रहा था मैं, भूल गया। हाँ, जब तक मैं इसके डोमेन में दाखिल नहीं होंगे ये चीज़ें इस पर अप्लाई ऑफ कोर्स नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं सिंपली आगे क्या करूँगा, अपने पास कोड में मुझे इस मेन वाला जो डिव है मेरा, इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। मैंने कहा क्लास मेन, इस पर मैंने एक क्लास लगा दी कि भाई ये मेन का मेन क्लास है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ अपने CSS की स्टाइलिंग पे और मैं, अच्छा ये जो मैंने स्टाइलिंग लगाई थी ना इमेज पे 80 pixels, ये मैंने जुगाड़ किया था मतलब, तो इसको मैं साइड नीचे ही रखता हूँ ताकि बाद में इसका मैं कोई प्रॉपर सॉल्यूशन कर दूँ। वेल, यहाँ पे मैंने कहा डॉट मेन, और मेन पे आके कहा मैंने डिस्प्ले क्या हो जाओ आप, फ्लैक्स हो जाओ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो अब जो इसके चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन नंबर 1, चिल्ड्रन नंबर 2, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाएगी, इसका जो फ्लो है। ठीक है, जाके देखते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हो गया ऐसा। ठीक है, एक तरफ हेलो एक तरफ आ गया और साइड बार जो है उसके पड़ोस में आ गया। अच्छा, इसकी विड्थ और हाइट अभी चूँकि मैंने डिफाइन नहीं की है तो वो अपने कंटेंट पे टाइट हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो अब मैं जाके क्या करता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार कंटेंट जो है ना उसकी विड्थ कर दो आप 70% कर दो और उसकी विड्थ कर दो 30%, सही रहेगा ये। अच्छा, तो फ्लेक्स बॉक्स में इसका क्या तरीका है, फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो इसका तरीका है। दिस इज द दिस डिफाइंस द एबिलिटी ऑफ अ फ्लेक्स आइटम। ठीक है, ये आइटम पे लगने वाली प्रॉपर्टी है, ये कंटेनर पे नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी मैं लगाऊंगा फ्लेक्स ग्रो, ये जो दो चिल्ड्रन है उन दोनों पे मुझे अलग अलग लगानी पड़ेगी। एबिलिटी टू ग्रो इफ नेसेसरी, कि जब नेसेसरी होगा, जब ये उसको ग्रो कर देगा, बड़ा कर देगा। इट एक्सेप्ट्स अ यूनिटलेस वैल्यू दैट सर्व्स एज अ प्रोपोर्शन, इट डिक्टेट्स व्हाट अमाउंट ऑफ द अवेलेबल स्पेस इनसाइड द फ्लेक्स कंटेनर ऑफ द आइटम शुड टेक अप। ठीक है, ये जस्ट ये बता रहा है कि भाई कितना स्पेस आपको ले लेना है। अच्छा, क्या इसको हम देंगे, इसको जस्ट मुझे 4 या 3 या 2 देना पड़ेगा या 1 देना पड़ेगा। डिफॉल्ट जो है वो 1 है, हर
चिल्ड्रन का जो डिफॉल्ट ग्रो है वो वन है, ठीक है। वन का मतलब ये है कि जितना उसके पड़ोस वाले ने घेरा हुआ उतना ही ये भी घेरेगा, ठीक है, ये डिफॉल्ट है इसका। अच्छा, किसी को अगर हम टू कर देंगे ना तो वो क्या करेगा, जितने आस पड़ोस के लोग घेर रहे हैं जगह उसका डबल घेरेगा, ठीक है, और फिर जो बची हुई जगह है वो बाकियों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह टू थ्री फोर जितना देता जाऊँ मैं ये एक्सेप्ट करता जाएगा, तो ये मेरे पास एक है। अच्छा, उसके अलावा फ्लेक्स श्रिंक है, जो ग्रो वाला है उसी का अपोजिट है ये, ठीक है। अगर किसी चीज़ को मैं ग्रो करवा रहा हूँ तो मैं उसको श्रिंक भी करवा सकता हूँ, यानी अपोजिट है कि कोई अगर वन वन का मतलब है कि सब इक्वल ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई थोड़ी कम जगह ले, बाकियों को अवेलेबल जो है डिवाइड कर दे, तो उसके लिए मैं श्रिंक इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद है मेरे पास फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस क्या करता है, दिस डिफाइंस द डिफॉल्ट साइज ऑफ एन एलिमेंट बिफोर द रिमेनिंग स्पेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ उसका बेस है कि भाई अभी अगर श्रिंक करेगा ग्रो करेगा तो बेस क्या होगा, बेस है इसका कोई ना कोई, तो ये वो वाली चीज़ हो गई। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी जो है वो ऑटो है कि जितनी भी अवेलेबल जगह होगी उसको इक्वली वो डिवाइड कर लेगा, ठीक है भाई। अच्छा, फिर ये मेरा आ चुका है एक अलग, फ्लेक्स अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ क्या करेगा कि जो मेरा कंटेनर है, ठीक है, मेरा जो कंटेनर है इस वक्त मेन के नाम से, उसकी जो विड्थ है वो 100% है, ऑफ कोर्स, ठीक है। 100% बाय द वे अभी डिफाइन नहीं किया मैंने, मैं देख लेता हूँ कि अभी वो एक्चुअली कितने परसेंट है, लेकिन मैं उसको 100% कर दूंगा अगर नहीं भी होगा तो। ठीक है, ये मेरा मेन है, इसकी जो विड्थ है ये कितनी है, ये 100% है इस वक्त, पूरी विड्थ है इसकी, ठीक है। तो अगर विड्थ में मुझे इसको लेफ्ट पे भेजना होता है या राइट पे भेजना होता है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो मैं फ़्लो उस तरफ से भी करवा सकता हूँ ताकि फ़्लो ही अपोजिट हो जाएगा उसका। दूसरा, जैसे हमने नैव बार में किया था, नैव बार में हमने कैसे किया था, जस्टिफाई करके। जस्टिफाई में मैंने बोला कि यार दोनों को ना दो साइड पर भेज दो या इक्वल स्पेस दे दो, तो इस तरह करके भी मैं कर सकता हूँ। तो वर्टिकली मैं कैसे करूँगा, मिसाल के तौर पे मेरे पास हाइट है 200 पिक्सल हाइट है मेरे पास, अब उसमें कोई चीज़ है उसको ऊपर या नीचे करवाना है मुझे कि यार बॉक्स में टॉप पे चले जाओ या बॉटम पे चले जाओ या सेंटर में आ जाओ, वर्टिकली अलाइन, तो उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी है सेल्फ अलाइन। अच्छा, बस ये इतना यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है, आइटम्स पे लगाने वाली प्रॉपर्टी इतनी ही है। अच्छा, अब हमारे पास कंटेनर पे लगाने वाली कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, अच्छा एक अलाइन आइटम भी है। ये क्या करता है कि किसी भी आइटम का जो बेस है ना वो टॉप से शुरू होगा या बॉटम से शुरू होगा ये डिसाइड करता है, ठीक है, बट ये किसी एक आइटम पे नहीं लग रहा है, राइट। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला आप नोट करें किसी एक आइटम पे लग रहा है, बाकी सारे अपनी जगह पे होंगे। एक आइटम को मैंने कहा भाई तुम नीचे चले जाओ। ऑन अदर एंड अगर मैं कंटेनर पे लगा रहा हूँ, ठीक है, अलाइन आइटम्स इसकी प्रॉपर्टी का नाम ही है, तो वो जितने भी चिल्ड्रन होंगे ना सब पे इक्वली वो अप्लाई हो रहा होगा। तो ये कंटेनर पे लगने वाली ये चीज़ हमने देख ली। अच्छा, उसके अलावा अलाइन कंटेंट करके एक है चीज़, ये भी क्या हो रहा होता है सारे चिल्ड्रन पे अप्लाई हो रही होती है, और इसके अंदर क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर स्ट्रेच, तो ये भी टॉप और बॉटम पे ना पूरे आइटम को टॉप या बॉटम पे लेके जा रहा होता है। अच्छा, इस वाले से ये कैसे डिफरेंट है, इस वाले को गौर से देखें इसमें क्या हो रहा है कि जो आइटम्स है ना वो आइटम इंडिविजुअली मूव करके ना एक लाइन में आ जा रहे हैं। ऑन अदर हैंड इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में ये हो रहा है कि इंडिविजुअली आइटम मूव नहीं हो रहे, आइटम अपनी जगह पे हैं, जितनी जगह पे आइटम है ना वो पूरी जगह मूव हो जा रही है, ठीक है, काइंड ऑफ पैडिंग है ये कि पूरे कंटेनर के ऊपर एक पैडिंग लग जा रही है। अगर मैं बोलूँगा कि फ्लेक्स एंड तो ऊपर की साइड से पैडिंग होके वो नीचे चला जाएगा सारा कुछ, ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है। तो ज़रूरत पड़ने पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक है गैप, रो गैप और कॉलम गैप, इसको भी आप देख के ही पता चल रहा है कि क्या चीज़ है, ठीक है। वेल, अभी हम इस पर ग्रो वाली प्रॉपर्टी ज़रा लगा के और हम
अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेन के अंदर जो कौन सी क्लास है, मेन के अंदर जो कंटेंट की क्लास है उस पर मैं कुछ लगाना चाहता हूँ। मैं कौन सा सेलेक्टर यूज़ करूँ? मतलब सेलेक्टर तो चाइल्ड सेलेक्टर है, लेकिन मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा ऐसे करके, चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, अब क्या लिखूँ यहाँ पे मैं? नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं मेन पे एरो लगा के लिखूँ, ताकि कहीं और पे अगर मैंने कंटेंट लिखा वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो इससे। ठीक है ना, हो सकता है मैं कंटेंट कहीं और भी लिख दूँ, इतने सारी इतनी बड़ी वेबसाइट है, क्योंकि दूसरे पेजेस हैं उस पर दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं, उसने भी कंटेंट बनाया हुआ होगा अपने पास। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस तरह करके करूँ। तो अब इसके बाद मैं क्या लिखूँ? डॉट कंटेंट। ठीक है, डॉट कंटेंट लिखने के बाद मैंने कहा कि यार, अच्छा ये मुझे बॉर्डर वॉर्डर का भी ऑप्शन दे रहा है, सही है, इसने बॉर्डर लगवा दिया मुझसे, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा, फ्लेक्स ग्रो इसका 1 हो गया और पैडिंग हो गया 10%। इसमें अब हम चेक करते हैं कि किस तरह का दिख रहा है मुझे ये। ठीक है, कुछ इस तरह का दिख रहा है मुझे ये। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो 1 का मतलब है कि ये पूरी जगह ले रहा है। अच्छा, क्योंकि सेकंड वाले पे मैंने ग्रो की प्रॉपर्टी लगाई नहीं है, तो सेकंड वाले पे जब मैं लगाऊंगा ग्रो की प्रॉपर्टी तो वो भी 1 होगा डिफॉल्ट, तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, सेकंड वाले पे लगाने के लिए मैं क्या करूँगा? डॉट मेन, उसके बाद इनसाइड ऑफ दैट मेन असाइड। ठीक है, इसमें भी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक खुद से दे दिया इसने, विड्थ 200 पिक्सल डिफाइन करवा दी इसने। ठीक है, विड्थ इसने 200 पिक्सल असाइन करवा दी, तो काइंड ऑफ सही हो गया कुछ मेरे पास। अच्छा, अब क्या मुझे इसको पिक्सल के हिसाब से विड्थ देनी चाहिए कि यार 200 पिक्सल, जैसा कि मुझे को पायलट ने सजेस्ट कर दिया कि भाई 200 पिक्सल इसको आप विड्थ दे दो, चौड़ाई दे दो, या मुझे इसको फ्लेक्स ग्रो के जरिए हैंडल करना चाहिए? पहले मैं फ्लेक्स ग्रो के जरिए हैंडल करके देखना चाहता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या जब मैं स्क्रीन को छोटा बड़ा करता हूँ तो उस पर कुछ फ़र्क पड़ता है या कुछ डिफरेंस होता है, क्या होता है? अच्छा, तो मैं विड्थ को फिलहाल रोक देता हूँ, और विड्थ को रोकने के बाद मैं क्या कहता हूँ? फ्लेक्स ग्रो, और मैं कहता हूँ 1। अच्छा, 1 करने से क्या होगा? दोनों भी इक्वल इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, इक्वल स्पेस दोनों शेयर कर लेंगे। रिफ्रेश किया मैंने, बिल्कुल इक्वल इक्वल स्पेस आ गया, बट मुझे अपने साइड बार को थोड़ा स्पेस देना है। ठीक है, और इसको मुझे कम देना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ असाइड अपने, या तो मैं इस पर श्रिंक भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि ये असाइड जो है थोड़ा कम हो जाए, तो उस पर मैं श्रिंक भी लगा सकता हूँ, बट मैं श्रिंक नहीं लगाऊंगा, मैं अपने मेन वाले पे ना मैं उसको बढ़ा दूंगा। मैं कहूँगा भाई तुम ले लो 5 और उसको दे दो 1, जो वो ले रहा है, यानी 5 गुना ले लो, जो भी आसपास वाले एलिमेंट्स हैं उसका 5 गुना मैंने किसको दे दिया? मेरे कंटेंट वाले हिस्से को दे दिया मैंने। सेव किया और यहाँ आके रिफ्रेश किया मैंने, तो ये वही चीज़ काइंड ऑफ अचीव हो गई है मेरे पास। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी स्क्रीन को ज़रा छोटा बड़ा करके चेक करता हूँ। ये मेरी स्क्रीन छोटी और बड़ी हो रही है। ठीक है, आप नोट करें कि आखिरी आखिरी दम तक क्या किया इसने, इसने कुछ हिस्सा उसको दिया हुआ है आखिरी दम तक। ठीक है, ऑन अदर हैंड क्या होता है? अच्छा, आखिरी टाइम तक भी आप देखें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वही है कि जितना साइड बार को मिला हुआ है ना उसका 5 गुना इस वाले को मिला हुआ है। ठीक है, अगर आप पिक्सल कैलकुलेट मारेंगे तो यही आएगा। तो अब मैं अगर ये वाली चीज़ हटा के इसको दे देता हूँ विड्थ 200 पिक्सल, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कैसे हो जाती है कि नो मैटर के स्क्रीन का साइज़ क्या है, वो अपने 200 पिक्सल पर टिका रहेगा। ठीक है, अच्छा कौन सा वाला बेटर है सोच के बताओ, क्यों बेटर है फ्लेक्स ग्रो वाला? मुझे कौन कौन सी डिवाइस को रिस्पॉन्सिव में सपोर्ट देना है? अभी मैं इस वक्त लैपटॉप लार्ज पे क्लिक किया हुआ है मैंने। ठीक है, लैपटॉप लार्ज 1440 इस पे क्लिक किया हुआ है मैंने। ये मैंने गूगल क्रोम का जो टेस्टिंग का ऑप्शन है डिफरेंट स्क्रीन साइज पे, वो मैंने ओपन किया हुआ है लैपटॉप के ऊपर। उसके बाद लैपटॉप नॉर्मल जो है 1024 पिक्सल उस पर मैंने क्लिक किया, उस पर भी सही है ये।
उसके बाद मैंने क्लिक किया टैबलेट पर, टैबलेट पे भी काइंड ऑफ ये सही है, ठीक है, काइंड ऑफ सही है, इतना अच्छा नहीं है क्योंकि थोड़ी सी अब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। अच्छा, उसके बाद मैं जाता हूँ इसको जब मोबाइल के डिवाइस पे ना, तो यहाँ पे दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। इस पॉइंट पे आगे मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मोबाइल के लिए और टैबलेट के लिए एक अलग वेबसाइट बनाते हैं आमतौर पर अभी के ट्रेंड के मुताबिक, तो मैंने जो वेबसाइट अगर डेस्कटॉप के लिए बना रहा हूँ उसमें मैं मोबाइल और टैबलेट को सपोर्ट नहीं देता हूँ, ठीक है। उसके लिए इसी तरह की सिमिलर वेबसाइट आप ही बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा, वो भी आप बनाएंगे, लेकिन सेम वेबसाइट पे डेस्कटॉप और टैबलेट और मोबाइल तीनों को घुसाने के बजाय अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है कि एक वेबसाइट होगी जो लैपटॉप की स्क्रीन के लिए बनी हुई होगी या डेस्कटॉप के लिए, वो 4K टीवी तक को सपोर्ट देगी, ठीक है, बड़े साइज़ के टीवी पे भी खुलेगा तो वो वेबसाइट सही खुल जानी चाहिए। अच्छा, और एक वेबसाइट बनेगी जो मोबाइल के लिए डिज़ाइन होगी और वो टैबलेट पर भी खुल जानी चाहिए, ठीक है, टैबलेट पर भी मोबाइल वाली ही खोलते हैं आजकल अभी तक जो ट्रेंड है, ठीक है। होपफुली अभी जो आईपैड है नया वाला उसके अंदर डेवलपर टूल्स वगैरह नहीं है, अब वो आएंगे तो हो सकता है कुछ चेंजेस आए, लेकिन अभी तक उन्होंने जो टैबलेट है उसको एक घरेलू टाइप की इस्तेमाल की चीज़ में ही रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो है मोबाइल वाली जो साइड है वो एग्जैक्टली उसी तरह हम खोल देते हैं। तो अभी वैसे बात चल रही है कुछ इस तरह की कि जो नया वाला आईपैड है इनका उसमें एप्पल ने M1 का चिप दे दिया, जो इनके लैपटॉप में होता है सेम वही चिप दे दिया, तो लोगों का ऐसा ख्याल है कि शायद उसमें फ़ोटोशॉप और लाइट रूम और फाइनल कट प्रो और VS कोड वगैरह ये सारी चीज़ों की सपोर्ट उसमें भी आ जाएगी कि लैपटॉप वाले सॉफ्टवेयर सारे आईपैड में भी चलेंगे, बट ऐसा भी हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी तक तो टैबलेट चाहे वो एंड्रॉयड के हों चाहे वो आईपैड हों एप्पल वाले, उनको क्या ट्रीट किया जाता है एज अ घरेलू डिवाइस या एज अ हैंड हेल्ड डिवाइस उसको कंसिडर किया जाता है, और उसमें मोबाइल वाली वेबसाइट अभी सब लोग उसमें मोबाइल वाली वेबसाइट खुलवाते हैं। तो मुझे फोकस जो है मेरा वो मोबाइल की साइट पर है और सॉरी डेस्कटॉप की साइट पर है और 4K वाली साइट 4K टीवी को मैं सपोर्ट दे रहा हूँ उसमें, ठीक है। 4K टीवी पर ये कुछ इस तरह का हो जाता है। अच्छा, अब टीवी का भी एक केस है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर जो टीवी के प्रोवाइडर है ना वो ब्राउज़र नहीं देते बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं जैसे एंड्रॉयड की अगर ऐप बना रहे हैं उसमें टीवी की भी सपोर्ट आप दे देते हैं, ठीक है, या इसी तरह कोई आप इस तरह की कोई ऐप है जो रिडायरेक्ट करके आपको लेके चली जाती है किसी वेबसाइट पे, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, उसकी वैसे तो ऐप है लेकिन कभी कभी वो रिडायरेक्ट करके कुछ चीज़ें ब्राउज़र पे भी खोलता है, तो 4K टीवी पे भी ना ब्राउज़र जिस वक्त आए नहीं है सही मानों में। अच्छा, 4K पे हम सपोर्ट आमतौर पर इस वजह से देते हैं, टीवी की वजह से नहीं देते, क्योंकि कुछ लोग 4K की स्क्रीन को ना बड़ी स्क्रीन पर मॉनिटर के तौर पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस बहाल करने के लिए ये काम करते हैं, लेकिन 4K वाले स्क्रीन की सपोर्ट भी सब लोग नहीं दे रहे इस वक्त, इवन दो के गूगल की भी कुछ साइट्स ऐसी हैं जो 4K पे अच्छी तरह नहीं खुलती हैं। तो आम तौर पे जो 4K स्क्रीन को एज अ मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं वो लोग इस्तेमाल करते कैसे हैं, जो मैंने देखा है एज़ फार एज़ आई नो वो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करते यूँ, वो उसको ऐसे खड़े पे कर लेते हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट में लगा देते हैं ऐसे स्क्रीन को, क्योंकि उसमें ओरिएंटेशन चेंज करने का इजीली ऑप्शन होता है सब में होता है, तो वो उसको पलट के ना ऐसे पोर्ट्रेट साइड से लगा के और ऊपर और नीचे दो स्क्रीन को डिवाइड कर लेते हैं और दो करके चला रहे होते हैं, या कोडिंग वगैरह लिखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं तो वो लंबी सी एक स्क्रीन आ जाती है कोडिंग लिखने के लिए, तो थोड़ा कन्वीनियंस रहता है लोगों के लिए, तो इस तरह करके कुछ मामला चल रहे हैं। अच्छा, तो कुल मिला के हमारा जो मेन फोकस है वो लैपटॉप लार्ज और लैपटॉप नॉर्मल जो दो स्क्रीन है यही मेन फोकस है हमारा। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमें दोनों में से कौन सा यूज़ करना चाहिए। अब इसमें भी दो फैक्टर हैं, डिपेंड करता है कि क्या मुझे ये साइड बार हर वक्त दिखाना है या मुझे ये साइड बार कभी दिखाना है कभी हाइड कर देना है, ठीक है। जब स्क्रीन मेरी थोड़ी छोटी होती है या स्क्रीन पे जगह नहीं होती तो मैं हाइड कर देता हूँ उसको, तो उस सूरत में तो मैं दिखाऊंगा फिक्स पिक्सल, 200 पिक्सल या 300 पिक्सल में दिखाऊंगा फिक्स, और उसमें मैं छोटी सी मीडिया क्वेरी लिखूंगा जो अभी हमने कवर नहीं किया, मीडिया क्वेरी उसको मैं हाइड करूंगा। मैं बोलूंगा यार स्क्रीन का साइज़ अगर 700 पिक्सल से कम होना तो आप हाइड हो जाओ, आपको नज़र आने की ज़रूरत नहीं है, वो स्क्रीन से ही गायब हो जाएगा जैसे ही थोड़ी स्क्रीन बड़ी छोटी होगी। अच्छा, तो मैं फिक्स साइज़ दिखाऊंगा, मीडिया क्वेरी लगा के उसको गायब करवा दूंगा। अगर तो मुझे हर वक्त दिखाना है तो शायद मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है फ्लैक्स ग्रो के ज़रिए उसको दिखाना, क्योंकि फ्लैक्स ग्रो आखिरी दम तक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को छेड़ता नहीं है,
डिस्ट्रीब्यूशन को उसकी सेम रखता है आखिरी दम तक। वेल असल में वो तो हम चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव करते हैं, तो वो अभी हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात कि क्लिक करो तो वो जैसे ये वाला है ना, ऐसे क्लिक किया तो बाहर आ गया, दोबारा क्लिक किया तो बंद हो गया। हाँ ये तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव करते हैं, अभी मेरे ख्याल है वो हम कवर नहीं कर पाएंगे, अभी हम इसको इसी तरह रखेंगे। वेल तो मैं इसकी जो है ना पिक्सल वाली विड्थ हटा देता हूँ और इस पर फ्लैक्स ग्रो वाला अप्लाई करके इसको मेरे ख्याल है 5 की जगह मैं कर देता हूँ 6, ठीक है। थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूशन मैं इसकी कम कर देता हूँ। ओहो अच्छा, अब मैं आता हूँ टैबलेट पे। तो भाई अब टैबलेट तक भी काइंड ऑफ ये सही चल रहा है, ठीक है, टैबलेट पे भी सही चल जाए ठीक है, लैपटॉप पे सही चल जाए तो भी ठीक है। अगर स्मॉल डिवाइस पे आता हूँ मैं, तो स्मॉल डिवाइस पे क्या हो रहा है, मेरा जो ऊपर वाला नैव बार है वो मेरी स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ठीक है। मेरा जो टॉप वाला नैव बार है वो सपोर्ट नहीं कर रहा मोबाइल वाली स्क्रीन को, ठीक है। लार्ज मोबाइल पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो टैबलेट तक ही चल रहा है, ठीक है, तो वो स्क्रीन से बाहर जाना शुरू हो जा रहा है। वेल तो अब मेरे पास ये दो साइड ना ये आ चुकी है, अब मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट रख देता हूँ। साइड बार जो मेरा था इसके अंदर मैं लगा देता हूँ एक अदद UL, ठीक है, और UL के अंदर LI करके। ज़्यादातर इसमें लिंक्स होते हैं आमतौर पर साइड बार में ना, 4, 5, 6, 10, 12 लिंक्स होते हैं, तो मैं इसमें एंकर टैग करके लिंक ही लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई लिंक 1, ठीक है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट मार के मैं कहता हूँ लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5, लिंक 6, लिंक 7, ठीक है, 7 के करीब मैंने को इसमें लिंक्स लगा दिए। तो ये मेरे पास साइड बार में ना कुछ लिंक्स शो हो गए। अब इस पर आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसकी जो इस क्या कहते हैं इसके ऊपर जो बुलेट स्टाइल्स लगे हुए हैं उसको हटा सकते हैं, इसके जो पैडिंग वगैरह है साइड से, ज़ाहिर है बुलेट स्टाइल हटता है तो वो फिर इस तरफ चिपक जाता है पूरा, तो इसकी थोड़ी पैडिंग वगैरह देके आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा अब इसके हम दरमियान वाले कंटेंट पे आ जाते हैं। दरमियान वाले कंटेंट पे हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट लगा देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक H1 लगा देता हूँ, H1 में मैंने कह दिया कि भाई हेलो लेआउट, उसके बाद मैंने कहा एक पैराग्राफ, पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट, ठीक है जी। अच्छा जैसे ही टेक्स्ट आया तो उसने कुछ गड़बड़ की है, ये क्या किया इसने, ऐसा क्यों हुआ भला, ब्लॉक एलिमेंट की वजह से यार सब कुछ तो सही लग रहा है मुझे। ₹86 इसने विर्थ इसको दी है और ₹1300 विर्थ इसको दे दी इसने।
कहीं से किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आ रहा है इसके ऊपर। अच्छा, अगर मैं इसका फ्लैक्स ग्रो हटा के इसमें विड्थ इसकी लगा देता हूँ 200 पिक्सल तो फिर क्या होता है? या मैंने कुछ एरर किया, तब ये सही हो जाता है। वेल, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। अच्छा खैर, अभी हमने इसको विड्थ 200 दे दिए। असल में हाँ, ये अंदर का जो कंटेंट है ना इसका, ये विड्थ पूरी लेने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे एक्चुअली इस कंटेंट को भी क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स ही करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये अपने उसको थोड़ा कंट्रोल कर ले। अच्छा, तो ये मैं असाइड वाले को ले जाता हूँ ऊपर, और बाकी का क्योंकि काम मेरा कॉन्टेंट पर चलेगा तो अब मैं उसको नीचे रखता हूँ। अच्छा, अब ये कंटेंट जो है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी इस कंटेंट के अंदर, वो टॉप से बॉटम की तरफ जा रही होगी, राइट? तो मुझे अब इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, इसको भी डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स, ठीक है। ये जो मैंने लगाया था ना फ्लेक्स ग्रो, ये खुद किसी का आइटम था, उसकी वजह से लगाया था। अब इसको मैंने क्या कर दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको भी मैंने एक फ्लेक्स बॉक्स का कंटेनर बना दिया है। अच्छा, अब उसकी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी, उसकी चीज़ें इसके अंदर वाली चीज़ों पे अप्लाई हो जाएंगी। अब आप नोट करें वो क्या हो गया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन जो था उसका वो क्या था, लेफ़्ट से राइट की तरफ था, तो वो लेफ़्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन हो गया। लेकिन इस वाले कंटेनर का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, वो टॉप से बॉटम की तरफ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूँगा। डायरेक्शन चेंज करने वाली चीज़ कंटेनर पर ही लगाई जाती है, और फ्लेक्स डायरेक्शन करके मैं क्या बोलूँगा इसको, रो तो डिफॉल्ट है, कॉलम बोलूंगा मैं उसको, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो मैं यहां पे आके बोलूंगा इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो अब ये सही हो गया, होपफुली हमारा वो भी सही हो गया होगा, क्योंकि वो भी शायद ना इसी वजह से हो रहा था। अब मैं इसको दोबारा फ्लेक्स वन लगा के देखता हूँ, नहीं यार वो किसी और वजह से हो रहा है, नहीं वन से बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, फोर कर दूंगा मैं इसको ज़्यादा। कोई चीज़ इस पर इफ़ेक्ट कर रही है वायरल, अभी मुझे वो समझ में नहीं आ रही कि वो क्या चीज़ है। वेल, मुझे समझ आएगी तो मैं भी अगली क्लास में आपको बता दूँ। वेल, अभी मैंने उसको 200 पिक्सल कर दिया फ़िलहाल के लिए। अच्छा, अब हमारा ना टॉप से बॉटम की तरफ इसका फ्लो जा रहा है। अच्छा, इसको फ्लेक्स कंटेनर बनाने का मकसद क्या था, कि इसके अंदर भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको हमें आगे पीछे करना है तो वो भी हम कर सकें। तो ये पूरा जो लेआउट है ये किस पे बना हुआ है, हमारे फ्लेक्स पे बना हुआ लेआउट है। अच्छा, सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स ही लेआउट नहीं है, एक ग्रिड सिस्टम भी होता है, एक 12 जिसको हम कहते हैं 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम, ठीक है, एक ग्रिड सिस्टम होता है, वो भी CSS में बिल्ट इन उसकी सपोर्ट मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा भी एक होता है जो बुक में डिस्कस हुआ हुआ है, वो फ्लेक्स और ग्रिड से पहले की चीज़ है, क्योंकि बुक थोड़ी सी पुरानी है, 2009 में शायद पब्लिश हुई थी ये बुक, तो उस वाले टाइम की चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अच्छा, तो अब इस कंटेनर के अंदर मैं मज़ीद जो भी चीज़ें लगाता जाऊँगा उसको भी मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स के ज़रिए कंट्रोल कर पाऊँगा ईजिली, क्योंकि मैंने इसको भी क्या कर दिया, फ्लेक्स का एक कंटेनर बना दिया। अच्छा, अब हम इसको मेरे ख्याल है यहीं पर रोकते हैं। हाँ, हमारे पास एक चीज़ और थी, फूटर। अच्छा, फूटर के लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने जिस तरह से नैव बनाया था, नैव के ऊपर जो क्लासेस मैंने लगाई थी, वही सारी चीज़ें मुझे फूटर पे भी लगानी है। तो फूटर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, फूटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ एक ना टेक्स्ट ला के कॉपी कर देता हूँ, कुछ एक फूटर में काइंड ऑफ इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्हीं का कॉपी कर लेता हूँ, ये लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है कि ज्वाइन डिजिटल ओशियन फोर्स टू CSS ट्रिक। वेल, हम कुछ अपना लिख देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज सैलानी बैच 8 सही है ना, BADCAJ होते हैं नहीं, स्पेलिंग्स मेरी थोड़ी वीक है। फॉर वेब डेवलपमेंट कोर्स सही है, ये हमने फूटर में एक बात लिख दी,
रिफ्रेश किया हमने, फूटर कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फूटर पे मैं क्लास लगा देता हूँ कि क्या है भाई ये फूटर है। अच्छा, और मैंने कहा डॉट फूटर, ठीक है। बॉर्डर इसने लगा दिया, पैडिंग लगा दी, डिस्प्ले फ्लेक्स की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे शायद, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स फिर भी इसने लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरा फूटर नीचे आ चुका है, बिल्कुल सही तरीके से फूटर डिस्प्ले हो गया है। अच्छा, फूटर में भी अगर मुझे कोई चीज़ राइट पे भेजनी है या कोई चीज़ लेफ़्ट पे भेजनी है, मे भी मेरे पास क्या हो गया, दो टेक्स्ट हैं फूटर के अंदर, सही है। फूटर के अंदर मैंने बनाया एक भाई पैराग्राफ वन एक, और एक बनाया पैराग्राफ टू, ठीक है। तो पैराग्राफ वन में मैंने ये वाली बात लिख दी जो मैंने अभी लिखी हुई थी यहाँ पर। अब इसके बाद मैं एक पैराग्राफ टू भी बना सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा यार एयर एयर 2022 ये मैंने लिख दिया। तो अब ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ये इसके नीचे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट HTML का फ्लो होता है वो क्या होता है, टॉप से बॉटम होता है। बट मैं चाहता हूँ कि ये ना उस कॉर्नर पे चला जाए, दोनों साइडों पे ऐसे शो हो जाए, या मैं उस साइड पे पेज नंबर शो करवाना चाह रहा हूँ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फूटर को एक फ्लेक्स कंटेनर बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं CSS में जाऊँगा, मैं कहूँगा यार डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स में करूँगा इसको, और फिर मैं इसको क्या बोलूँगा, जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन भी कर सकता हूँ मैं, और स्पेस अराउंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। स्पेस अराउंड शायद अभी ट्राई कर लेते हैं, नहीं स्पेस अराउंड काम नहीं कर रहा क्योंकि मुझे दोनों कॉर्नर्स पे चाहिए, तो स्पेस बिटवीन ही मुझे चाहिए होगा, ठीक है। अब ये दोनों थोड़े दीवार से चिपक गए, थोड़ा थोड़ा दीवार से अगर 10-10 पिक्सल दूर करना है तो उसके लिए मैं अलग से मार्जिन उसको दे सकता हूँ। तो ये मेरा एक टिपिकल वेबसाइट का जो लेआउट है वो रेडी हो चुका है, और अब इसके अंदर दरमियान में जो जो कंटेंट होगा उसके हिसाब से आप मज़ीद इसमें बॉक्सेस बनाते जाएंगे, और वो फिर आपका डिसीजन होगा कि कौन से बॉक्सेस को आपने फ्लैक्स बॉक्स रखना है, कौन से को नहीं रखना। क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स क्या करता है, इन्वेड नहीं करता। मिसाल के तौर पे इस पूरे कंटेनर के अंदर अगर आप कोई अलग से बॉक्स बनाते हैं जिसको आप डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं करते अगर, तो फ्लैक्स बॉक्स वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वो उसको छोड़ देगा। जैसे आप उसको हैंडल करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, यहीं पर रोक देते हैं और इस पेज की हम एक कॉपी बना लेते हैं, जो इंडेक्स का पेज है हमारा उसकी एक कॉपी बना लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं गैलरी, ठीक है, gallery.html। अच्छा, gallery.html को भी ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, तो कॉपी पाथ और ओपन कर लिया। gallery.html भी बिल्कुल सेम है क्योंकि वो सेम CSS की फाइल से कनेक्टेड है, और सेम सारी चीज़ें उसके अंदर भी हो रही हैं। मुझे हेडर और नेविगेशन बार इसमें भी उसी तरह से चाहिए जिस तरह मुझे इंडेक्स के पेज में चाहिए था, बट ये नीचे वाले जो आइटम है, अच्छा फूटर भी मुझे उसी तरह चाहिए, ठीक है, फूटर भी चेंज नहीं हो रहा। मुझे ये दरमियान वाला जो आइटम है ये चेंज करना है अब इस वाले पेज में। तो मैं आके क्या करूँगा, मैं मेन के अंदर का जो सारा आइटम है इसको उड़ा दूँगा यहाँ से। मेन के अंदर जो भी आइटम था उसको मैंने उड़ा दिया, तो वो मेन बीच से गायब ही हो गया। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, थोड़ा गैलरी टाइप की कोई चीज़ बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं इंटरनेट से कोई पिक्चर उठा लेता हूँ। मैंने एक फ्लावर लिख के कोई पिक्चर उठा ली, वेल कुछ इस तरह की हम फ्लावर की पिक्चर उठा लेते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव, ये जहाँ पे भी पहुँचा है डाउनलोड्स में चला गया होगा। तो मैं डाउनलोड से इसको उठा के कहाँ ले आता हूँ, अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, और इमेजेस में ला के उसको मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, आमतौर पे जो इस तरह की चीज़ होती है, flower.jpg मैंने इसका नाम रख दिया। आमतौर पर जो इस तरह की गैलरी वाली इमेजेस आ रही होती हैं ये मेरे लोकल फोल्डर से नहीं आती, ये मेरे डेटाबेस से उठ के आ रही होती हैं, ठीक है, मेरे डेटाबेस में पड़ी हुई होती हैं सारी इमेजेस।
अच्छा, लिंक्स होते हैं वो एक्चुअली HTTP के लिंक्स होते हैं जो मेरे डेटाबेस से आ रहे होते हैं और मैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे मैं एक अदद लगाऊंगा IMG का टैग और SRC में मैंने कहा gallery.html, ठीक है। और इस IMG को मैं क्या दे दूँगा, एक अदद क्लास दे दूँगा, मैं कहूँगा gallery-image, ठीक है। गैलरी इमेज मैंने इसको नाम दे दिया। अभी हम कंटेनर की तरफ जाते हैं, देखते हैं हम उसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। अच्छा, मैंने कहा भाई डॉट गैलरी इमेज कर दिया मैंने, और गैलरी इमेज करके मैंने क्या कहा, विड्थ आपकी कितनी हो जाए भाई, 100 पिक्सल हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है विड्थ उसकी बड़े बड़ी इमेज है वो एक, तो विड्थ उसकी बड़ी आएगी। क्या हुआ, अच्छा मैंने उसको लगा तो दिया, gallery.html लगा दिया मैं इसमें, इसमें मुझे लगाना था .images.flower.jpg, आ गया ये, थोड़ा छोटा हो रहा है शायद 100 पिक्सल। एक मिनट, मैं 100% पे हूँ ना जूम लेवल पे, इसको हम 250 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है 250 पिक्सल। एक अगर इतनी बड़ी इमेज है तो बंदे को दिखेगी अगर गैलरी के तौर पे वो देख रहा है तो, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इस तरह से इमेज हो गई। अब इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ, कितने टाइम्स, कोई 10 से 12 टाइम्स डुप्लीकेट कर देता हूँ, और इसका मैं बिहेवियर देखता हूँ क्या हो रहा है। अब ये बिहेवियर इसका ये हुआ कि मेरी स्क्रीन साइज से बाहर चला गया, और अच्छा कोई भी चीज़ जब स्क्रीन साइज से बाहर जाएगी तो क्या होगा, मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बना हुआ आ जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो है वो किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि आम तौर पर डिवाइसेस में जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, आपको ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करने की आदत होती है ना, या नीचे से ऊपर की तरफ करने की आदत होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो तो जाता है, मतलब अब आजकल जो नए वाले माउस पैड हैं वो बड़े अच्छे हैं, उसमें हर तरफ स्क्रॉल हो जाता है, लेकिन और लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये एक इनकन्वीनियंस होता है, ठीक है। आमतौर पे अगर आप सीधा ऊपर स्क्रॉल करें और आपको सब चीज़ें दिखें तो ज़्यादा कन्वीनियंस रहता है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहता है बंदे का। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मुझे ऑफकोर्स फ्लेक्सिबल डिस्प्ले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मेन के नाम से जो मेरी चीज़ थी ना, अब मैं इसको क्या कर दूँगा, इसको मैं कहूँगा main-gallery, ठीक है, क्योंकि ये गैलरी के पेज का मेन है, ताकि मैं इस पर अलग से स्टाइलिंग लगा सकूँ। अच्छा, असूलन होना तो ये चाहिए कि हर HTML पेज की ना CSS उसके साथ ही हो, जो ये वाली अप्रोच जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो उसमें यही अप्रोच करेंगे कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसकी जो स्टाइलिंग होगी वो उसी के मतलब पास पड़ी हुई होगी। जैसे इसमें मैं कर रहा हूँ कि एक ही CSS है और दो दो HTML पे वो अप्लाई हो रही है, इस तरह से मैं नहीं कर रहा हूँ उसमें। अच्छा, मैंने गैलरी इमेज कर दिया और मैंने कहा भाई मेन गैलरी, इसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ, और फ्लैक्स रैप इसने खुद से ही मुझे देखो सजेशन भी दे दी, और स्पेस अराउंड भी खुद से इसने लगा दिया, ठीक है, अच्छी बात है भाई, खुद से ही बन गया ये भाई, बड़ी ख़तरनाक लगती है मुझे कभी कभी ये चीज़। आज मैं सुबह सहरी के बाद वो वीडियो देख रहा था GPT-3 वाली, तो थोड़ा सा मुझे डर लगा जिस तरह की चीज़ें GPT-3 से हो रही हैं। वेल, तो ये मेरे पास कुछ गैलरी सी चीज़ बनकर आ गई। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे टेस्ट करता हूँ कि भाई क्या रिपोर्ट है इसकी, अगर स्क्रीन साइज इसका चेंज होता है तो। अच्छा, ये मैं छोटा जैसे ही करता हूँ तो ये क्या होता है, फौरन नीचे आ जाता है उठ के ना। अच्छा, जैसा कि एक दोस्त ने कहा कि सर इसको तो थोड़ा कंटेनर के अंदर करके भी हम कर सकते थे। अच्छा, तो हम देखते हैं कि क्या हमें इसको कंटेनर में करने की ज़रूरत है, डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। मेरे इस केस में शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मैं मेन के ऊपर थोड़ी सी पैडिंग लगा दूं, क्योंकि वो मेन में बहुत ज़्यादा चपक रहा है, ठीक है, तो मैं मेन पे थोड़ी सी पैडिंग लगा दूं, या मैं इमेज पे ही थोड़ा सा अगर मैं मार्जिन दे दूं एक साइड पर, तो मेरा वो मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मेन पे फ़िलहाल पैडिंग लगा देता हूं। मैंने कहा गैलरी मेन पे क्या कर दो आप, पैडिंग दे दो 20 पिक्सल। क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या मसला, पैडिंग की स्पेलिंग से लिखी है WIG पैडिंग। अच्छा, ये डॉट मेन गैलरी नहीं लिखी मैंने,
उड़े 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 उड़े। हाँ मैं भी यही देखना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ। डिस्प्ले फ्लेक्स रैप सही है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अच्छा ये स्पेस अराउंड की वजह से हो रहा है, ठीक है ये स्पेस अराउंड की वजह से हो रहा है। हम स्पेस अराउंड को थोड़ी देर, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, जब वो नीचे उसको रैप करके ला रहा है ना, तो नीचे अभी हैं तीन आइटम, तो तीनों आइटम में वो स्पेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस वजह से वो दूर दूर हो जा रहा है। ठीक है तो मैं स्पेस अराउंड को फिलहाल मैं हटा भी रहा हूँ, तो ये क्या हट नहीं रहा। नहीं नहीं पैडिंग से तो ताल्लुक ही नहीं है ना उसका, पैडिंग से तो उसका ताल्लुक ही नहीं है। एक मिनट डिफ़ॉल्ट में हम देख लेते हैं कि कौन सा वाला होता है, या हमें यहाँ से पता चल जाएगा ना कि डिफ़ॉल्ट में जस्टिफाई कौन सा होता है। अच्छा फ्लेक्स स्टार्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और अगर हम इस पर वो लगाते हैं रैप वाला कहाँ चला गया, ये तो टॉप पे ही है। अच्छा इसमें डिफॉल्ट होता है नो रैप, और एक है रैप और एक है रैप रिवर्स। वेल मैं रैप को भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है मैंने रैप को भी थोड़ी देर के लिए हटा दिया। अच्छा अब मैं ज़रा पैडिंग अप देके ट्राई करता हूँ, ये मेरी पैडिंग लग गई ना, अब मैं रैप कंटेंट वगैरह की तरफ दोबारा वापस आता हूँ। अच्छा ये पैडिंग लगने के बावजूद भी क्या हो रहा है, मुझे इमेजेस बिल्कुल चिपकी चिपकी भी आ रही है मेरी। वेल वो अभी आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं उस पर रैपिंग वगैरह स्टार्ट करूँगा तो वो खुद ही सेट हो जाएगी। अच्छा अब मैंने रैप कॉन्टेंट को इनेबल किया तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये खुद ही से नीचे रैप होके आ रहा है। अच्छा अब ये जो स्पेस अराउंड वाला है, ये तो ऑफ कोर्स इसमें काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों साइडों पे स्पेस इवनली दे रहा है, तो नीचे वाली लाइन में वो प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है। तो हम जस्टिफाई कंटेंट में कोई ऐसी प्रॉपर्टी देखते हैं जो हम यहाँ पे लगा सकें, ठीक है। फ्लेक्स स्टार्ट तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, फ्लेक्स एंड में पूरा उस तरफ चला जाएगा। स्पेस बिटवीन में भी वही प्रॉब्लम है, स्पेस इवनली में भी वही होगा, क्योंकि स्पेस इवनली में तो जब वो नीचे आएगा तो नीचे तीन होंगे ऊपर छः होंगे। हाँ सेंटर हमें करना पड़ेगा। वेल सेंटर तो उसको वैसे भी मुझे करना है, क्योंकि हमने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था सेंटर मुझे करना है इसको, ठीक है ये सेंटर हो गया। अच्छा सेंटर मैंने शुरू में डिसाइड कर लिया था वैसे भी मुझे करना है, क्योंकि जब जैसे मैं ये वाले पे वापस आऊँ, तो अगर ऊपर मिसाल के तौर पे चार हैं और नीचे दो हैं, अगर स्क्रीन छोटी होती है नीचे दो ही हैं लास्ट वाली लाइन में, तो लास्ट वाली लाइन में क्या होगा कि एक तरफ से स्पेस ज़्यादा एक तरफ से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुझे इसको सेंटर में भी करना है। वेल इसको एक बार हम यहाँ पे देख भी लेते हैं, सेंटर हटा के इसको रिफ़्रेश किया मैंने, कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है। अच्छा अब स्क्रीन साइज़ जैसे ही चेंज होगा तो आप नोट कीजिएगा, अभी मेरे स्क्रीन पे ना राइट साइड पे ज़्यादा स्पेस है, ठीक है ये कम हुआ कम हुआ, यहाँ पे आके राइट और लेफ्ट दोनों पे इक्वल स्पेस हो रहा है, बट जैसे ही थोड़ा सा और कम होता है तो राइट पे फिर ज़्यादा स्पेस आ गया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि मेरी डिवाइस, क्योंकि बहुत बहुत डिफरेंट साइज़ की होती है डिवाइस, लैपटॉप की भी स्क्रीन के साइज़ ना थोड़े थोड़े से फ़र्क होता है, यानी 13 इंच भी है, 12 इंच भी है, और 13.5 इंच भी है, और 14 इंच भी है, तो ये 4-5 स्क्रीन साइज़ ऑन एवरेज है। तो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में ऐसा हो सकता है कि साइड में वाइट कलर का पट्टा आ रहा हो। ऑन अदर एंड अगर मैं इसको जूम चेंज नहीं कर रहा, इसी पर रख रहा हूँ, मैं इसको अगर सेंटर कर देता हूँ तो फिर क्या होगा कि कोई सा भी डिवाइस का साइज़ हो दोनों साइडों पर स्पेस इक्वल होगा, ये यहाँ पर आके डायरेक्ट ऐसे फॉल करेगा तो दोनों साइड पर इक्वल ही आ रहा होगा। अच्छा वेल चूंकि हम अब जस्टिफाई कंटेंट इसमें नहीं लगा पा रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से, तो अब मैं इनको आपस में दूर कैसे करूं, मार्जिन देके मैं उसको दूर कर सकता हूं। अच्छा मार्जिन मैं लेफ्ट पे भी और राइट पे भी दोनों पे भी दे सकता हूं, और सिर्फ राइट पे भी दे सकता हूं,
तो बताओ मुझे सिर्फ राइट पे देना चाहिए या दोनों साइड पे देना चाहिए, कौन सा वाला बेस्ट रहेगा इस केस में? वजह हाँ ऊपर भी चाहिए हमें मार्जिन, तो मार्जिन तो सही मानो मुझे ऊपर भी चाहिए। तो जो लोग कह रहे हैं कि टॉप और लेफ्ट देंगे, क्या रीजन है उसका? नहीं, मिसाल के तौर पे अगर मैं चारों साइडों पे दूं तो मसला होगा कोई? सही है, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जो दो इमेजेस है ना, अगर मैं दोनों में मार्जिन हो आ रहा होगा तो वो स्पेस डबल हो जाएगा। ऑन अदर एंड जिस साइड पे कोई इमेज नहीं है, जिस साइड पे मतलब दीवार है, जैसे ये वाली साइड जो है, मिसाल के तौर पर मैंने 10 पिक्सल का इसको मार्जिन दिया, तो जो दीवार वाली साइड है उसमें 10 पिक्सल आ रहा होगा, लेकिन जिस तरफ दूसरी इमेज है वहाँ पे 20 पिक्सल का फासला आ रहा होगा। कोलैप्स नहीं करेगा ना, वो सिर्फ उसमें होता है ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो अच्छा सम टाइम मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जो ये वाली चीज़ है ना, सम टाइम मुझे रिक्वायर्ड होती है तो मैं लगा देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट एक इमेज की ना लाइब्रेरी दिखानी है, जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि हर इमेज का आपस में जो फासला हो वो इक्वल हो, राइट राइट लेफ्ट से भी, टॉप बॉटम से भी, और साइड की दीवारों से भी। ठीक है, वेल साइड की दीवारों से फासला कभी कम ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी स्क्रीन साइज़ जब चेंज हो रहा है तो वो कम ज़्यादा होगा। वो 20 पिक्सल पे स्टक ना हो, अगर मैंने 10 दिया तो वो 10 पे ही आए एटलीस्ट। अच्छा, तो अब मैं जाके क्या करता हूँ, जो मेरा गैलरी इमेज है इस पे मैं आके बोलता हूँ कि मार्जिन मार्जिन लेफ्ट मुझे करना है, राइट है ना, यहाँ मार्जिन राइट 10 पिक्सल। क्या मेरी बातें सुन रहा है क्या ये? मतलब सजेशन उसने राइट का क्यों दिया, लेफ्ट का भी तो दे सकता था, नोट किया तुमने? सही, अब ये बॉटम का दे रहा है। ठीक है, क्या बॉटम वाला बेस्ट है? हाँ बॉटम पे ही सही है मुझे, मे भी नहीं, बातें नहीं सुन रहा। वैसे तो इनका जो वाइट पेपर मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, ये क्लेम करते हैं कि हमने पूरा इंटरनेट जो है ना जमा कर लिया अपने पास, एक कंप्यूटर में पूरा इंटरनेट डाउनलोड कर लिया और उसमें उस पर ट्रेन किया इसको, तो उसमें गिटहब वगैरह सब गया उसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन हो गया जैसा हमें चाहिए था। हम ये सोच रहे थे टॉप, लेकिन इसने मुझे बताया बॉटम, और बॉटम ही चाहिए था एक्चुअली मुझे। ठीक है, तो ये बहुत कंसिस्टेंट किस्म का हमारा जो है ना एक लाइब्रेरी बन चुकी है। इस इमेजेस को मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ एक्स्ट्रा, अभी भी थोड़ी कम लग रही है इमेजेस मुझे ये। ठीक है, तो कुछ इस तरह की मेरे पास चीज़ आ चुकी है। ठीक है जी, ये लास्ट में जो है ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको, एक मिनट मैं उसी दोबारा उस पर जाता हूँ मोबाइल डिवाइसेस पे, ये लास्ट में बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, ये क्या सीन हो रहा है भाई? हालांकि मैंने उसको कोई हाइट तो बताई नहीं है, तो अपने कंटेंट पे उसको टाइट होना चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? ये असल में बॉडी ही है, ये बॉडी ही है, क्योंकि मैंने अलग से कंटेनर तो बनाया नहीं है इसका, बॉडी में ही लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, मतलब जो मेन है ना मेरा, इस पे लगाया हुआ है। अच्छा मेन गैलरी पे कोई वो है मेरा? अच्छा मेन गैलरी पे मेरे पास वो नहीं है, बॉर्डर नहीं है। मैं कहता हूँ भाई बॉर्डर और 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है, ताकि मुझे अलग से दिखे ये। अच्छा ये तो जा रहा है नीचे तक मेन मेरा, लेकिन बॉडी मेरी पहले क्लोज हो जा रही है, इसका क्या रीज़न है? बॉडी पे क्या, बॉडी को मैंने दिया भाई? अरे हाँ बॉडी को मैंने शुरू में दिया था, बिल्कुल पहली क्लास में ना, क्योंकि बॉडी शो नहीं हो रही थी, तो ये हाइट मैंने दी थी 1000 पिक्सल, तो ये अभी जाके इसने कॉन्फ्लिक्ट किया है यहाँ पे, बेहतरीन हो गया, सेट हो गया ये। ठीक है जी,
यार ये 1 पिक्सल नज़र ही नहीं आ रहा, 3 पिक्सल करना पड़ेगा इसको। अच्छा तो ये जो ग्रीन वाला है ये मेरा क्या है, मेन का सेक्शन है ठीक है, जिसके अंदर मेरी इमेजेस लगी हुई हैं। अच्छा इस मेन के सेक्शन पे अगर मैं हाथ रखता हूँ तो इसमें देखो 10 पिक्सल की ना पैडिंग है चारों तरफ से ठीक है, और जो इमेजेस है मेरी उसके अंदर क्या लगा हुआ है, 2 साइडों पे मार्जिन लगा हुआ है और 2 साइडों पे मार्जिन नहीं है, तो इमेजेस जहाँ से आपस में टच हो रही है वो दूसरे वाले का मार्जिन उसको पता चल जा रहा है तो वो थोड़ी सी दूर हो जा रही है। वेल हमारे पास काफ़ी कंसिस्टेंट किस्म की है इमेज की लाइब्रेरी बन चुकी है जो कि मेरे हर स्क्रीन साइज़ पर काम करती है ठीक है, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करूँगा तो भी ये चल रही होती है। अच्छा इस तरह की जो लाइब्रेरी होती है वो आमतौर पर उसमें पिक्चर अनलिमिटेड होती है ठीक है, जैसे अगर आप फेसबुक गूगल इमेज सर्च में अगर आप जाते हैं तो गूगल इमेज सर्च में क्या होता है, आप स्क्रॉल करते जाते हैं नीचे दूसरी इमेजेस आती चली जाती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो इमेज रुक जाए वहाँ पे ठीक है या आना बंद हो जाए, वो आती रहती है किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वो फिर आपको रोक देता है कि पेज ख़त्म हो गया, अब अगला पेज आपका आएगा पेज नंबर 2, बट वो इमेजेस ख़त्म नहीं होती। तो इसी तरीके से आप गूगल फोटोज़ अगर कोई यूज़ करता है तो उसमें भी इसी तरह का कुछ होता है, तो आप स्क्रॉल करते जाते हैं वो हिस्ट्री में पीछे आपको घुमाता चला जाता है, वो ख़त्म नहीं होती। तो ये इस तरह वाली जो चीज़ है ना कि लास्ट में 3 इमेजेस आ रही हैं, ऐसा देखने में बहुत कम मिलता है ठीक है, ऐसा देखने में आमतौर पर नहीं आता। तो वेल इसमें अभी तक अगर किसी का कोई सवाल है तो यार वो पूछ लो। ये बॉर्डर्स जो है मैंने ऐसे ही लगाए हैं ताकि विजिबिलिटी हो जाए कि कौन सा बॉक्स कहाँ तक जा रहा है, आमतौर पर ये बॉर्डर लगाते नहीं है, या कभी अगर ज़रूरत है डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट तो लगा भी देते हैं, मसला भी नहीं है। इमेज के नीचे कंटेंट लिखना हो तो यहाँ पे इमेज में आगे लिख दो, ये इमेज है ना, फिर इस असल में ये इमेज ऐसे नहीं होगी, फिर इमेज होगी एक कंटेनर के अंदर, उसमें एक इमेज होगी, एक छोटी सी एक लाइन होगी जैसे गूगल सर्च में दिखा रहा होता है, एक टाइटल होगा फिर उसके नीचे छोटा सा सब टाइटल होगा, इस तरह करके होगा, तो ये एक डिव में होगा, पूरा एक बॉक्स जो है इमेज का वो एक डिव में होगा। ठीक है भाई। अच्छा फ्लैक्स बॉक्स की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमने कवर ना की हो? अच्छा ऑफकोर्स सारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं हुई है, कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई लेकिन हमने गो थ्रू कर लिया सबका, जैसे जो ग्रो था उसका हमने श्रिंक भी देख लिया, उसका हमने बेसिस भी देख लिया। तो होपफुली आप पिछली 3-4 क्लासों से फ्लैक्स बॉक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा हैंड्स ऑन आपका हो गया होगा। वेल प्रोग्रामिंग जो है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है अभी तो उसमें खैर आप फेज़ में दाखिल नहीं हुए, अभी तो ये मार्कअप्स हम देख रहे हैं अभी तक। वेल इन जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस की चीज़ है, लगे रहने की बात है, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से पढ़ के जाएँ और आपको आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा कि बुक में सब कुछ लिखा हुआ होगा, बुक में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी लिखी हुई होगी, आपको खुद फिगर आउट करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे जो लेआउट मैंने जिस तरह से बनाया है ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा उसी तरह से बनाए, आपका बनाने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर केस या डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस कि आप किसी प्रॉब्लम को किस तरह से देखते हैं, हर बंदे का सोचने का अंदाज़ बिल्कुल अलग होता है, तो हो सकता है आप हर के लिए कंटेनर अलग बनाएं। अब जो आपकी अप्रोच है वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ज़ाहिर है फॉरम पे जाएंगे लोगों से डिस्कस करेंगे या डिफरेंट आप वीडियोस कंटेंट देखेंगे डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट डेवलपर्स का काम देखेंगे आप, तो उससे आपको आइडिया होगा कि अच्छा मेरी जो अप्रोच थी वो इस वाले से बेहतर है या फला बंदे ने जो काम किया वो मेरी अप्रोच से बेहतर काम किया था। ठीक है, तो ये वक्त के साथ साथ डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट केसेस कि भाई कोई आपके पास हो सकता है काम आए जिसमें आपने कोई खास अप्रोच इख्तियार की, फिर बाद में जाके पता चला कि किसी सर्टेन पॉइंट पर जाके ना वो अप्रोच आपकी फेल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपको सीखने को मिलता है फिर कि अच्छा यार मैंने ये चीज़ फला टाइम पे किया था बट हुआ फिर आखिर में ये कि वो फला फला पॉइंट पे जाके वो फेल हो गया। ठीक है, तो ये सीखने की भी चीज़ है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की चीज़ है, आप करते रहेंगे आपका हाथ सेट रहेगा। ये कोर्स कम्प्लीट करने के बाद अगर 1 महीना आपने छोड़ दी ना कोडिंग, पूरे साल का 2 साल का जितने मर्ज़ी का कोर्स होगा ये, अभी मुझे नहीं पता ये कितने टाइम का कोर्स होने वाला है, तो 1 महीना अगर नहीं की ना कोडिंग सब भूल जाओगे, ये तो गारंटी है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे हैंड्स ऑन होगा अच्छा हो जाएगा हाथ, वो उसकी कोई गारंटी नहीं, हो सकता है नहीं भी हो क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्रामिंग मुश्किल चीज़ है, हर बंदे के बस की बात नहीं है, लेकिन 1 महीना नहीं करोगे ना भूलने की गारंटी है कि 100% भूल जाओगे। वेल तो इतने कोड को मैं कर देता हूँ कमिट। हाँ दिखा दूंगा, क्या मसला है। ओके
फोटो के ऊपर या जैसे गूगल सर्च पर ओवरले करके देखो, उसकी दो तीन मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। एक तो तरीका ये है कि जैसे ये इन्होंने दोस्त ने बताया कि उस बॉक्स का बैकग्राउंड इमेज बना दो आप उस इमेज को, ठीक है, फिर आप उस बॉक्स में जो भी लिखोगे वो बैक ऐसा लगेगा इमेज पीछे है और टेक्स्ट ऊपर है। दूसरा तरीका इसका पोजीशन से भी खेल सकते हैं आप, ठीक है, जब पोजीशन आप उसकी क्या कर दें फिक्स कर दें आप, ठीक है, एक खास कंटेनर के अंदर फिक्स कर दें पोजीशन उसकी। अब जब आप पोजीशन फिक्स कर देते हैं तो वो मेन फ्लो से ना बाहर निकल आता है। अभी पोजीशन हमने शायद बुक में कवर नहीं किए अभी तक, कर लिए पोजीशंस पे अभी पहुँचेंगे तो ये ज़रा बात थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो तीन चार तरह की पोजीशंस होती हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव और एक होता है मेरे ख्याल में वो मेन जो होता है वही होता है, चार हो गया ना ये। वेल अभी हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो किसी भी इमेज के अगर ऊपर, उसको हम ओवरले बोलते हैं कि किसी इमेज के ऊपर कोई चीज़ आ गई, ठीक है, तो मेरे ख्याल है तुम अगर इमेज का ओवरले की बात करो तो वो पोजीशन पे चल के हम डिस्कस करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर गूगल सर्च में जैसे आ रहा होता है नीचे एक लाइन टाइटल और सब टाइटल आ रहा होता है, वो यहाँ पे इजीली हो सकता है अभी तक जो हमने पढ़ लिया उसके मुताबिक। दिखा देता हूँ वो, अच्छा भाई अब हम वो कहाँ कर दिया, गुम कर दिया मैंने, इमेज गैलरी डॉट एच टी एम एल। अच्छा, इस गैलरी डॉट एच टी एम एल के ना पहली इमेज जो है इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक डिव के अंदर पैक कर देता हूँ, डिव के अंदर मैं पैक इसको ऐसे कर दूँगा, डिव के अंदर पैक। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक अदद पैराग्राफ भी ले सकता हूँ मैं, स्पैन भी ले सकता हूँ, दोनों सही है। दिस इज अ फ्लावर, ठीक है, और नीचे एक और मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, द कलर ऑफ दिस फ्लावर इज येलोइश ग्रीन, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इस तरह से डिस्प्ले हो गया है, बट इसके अंदर शायद मुझे फॉन्ट का साइज वाइज थोड़ा चेंज करना पड़े तो वो मैं कर देता हूँ। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी हुई है कि येलोइश ग्रीन जो है ना वो पूरा लास्ट तक जाके चिपक गया है, तो इसको मुझे इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि ये लास्ट तक जो है चिपक रहा है इसकी क्या रीज़न है। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि असल में जो मैंने मार्जिन दिया हुआ था ना वो मैंने इमेज पे दिया हुआ था, बट अब असल में मेरे कंटेनर पे मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, राइट, तो मैं वो मार्जिन कंटेनर पे दूंगा ना तो फिर वो टेक्स्ट और इमेज दोनों को उस कंटेनर का पार्ट कंसिडर करेगा। अच्छा, वेल मैं क्योंकि ये एक इमेज के साथ करने जा रहा हूँ तो मैं क्या कर देता हूँ, ये पूरी क्लास उठा के इस पे लगा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं सारी इमेज के साथ करता तो फिर उसके लिए मैं अलग क्लास बना लेता। ओहो, मुझे आई थिंक अलग क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, सीएसएस में जाके मैंने कहा कि गैलरी इमेज कंटेनर बोल देता हूँ मैं उसको, ठीक है, गैलरी इमेज कंटेनर, उसके अंदर फिर गैलरी, इसकी मैं विर्थ वगैरह हटा देता हूँ, ठीक है, और मार्जिन रहने देता हूँ, मार्जिन ही मुझे चाहिए असल में कंटेनर के ऊपर मेरे, कहाँ गया वो, ये रहा। अच्छा, मार्जिन आया नहीं बाय द वे, अच्छा वो क्लास नहीं लगाई मैंने शायद इस वजह से मार्जिन नहीं आया। गैलरी इमेज कंटेनर के नाम से जो क्लास मैं बना चुका हूँ वो मैंने अप्लाई नहीं किए, तो मुझे अप्लाई उसको करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दी क्लास। अच्छा, अब ज़रा हम देख लेते हैं, तो ये मेरा जो कंटेनर है ना इसके साइड पे मार्जिन आ चुका है थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा मुझे पैडिंग भी इसमें देनी पड़ेगी क्योंकि मैं अंदर की साइड भी चाह रहा हूँ थोड़ा सा ये दूर रहे, यार इमेज अभी भी थोड़ी उस तरफ जा रही है, ये क्या चक्कर है। अच्छा, ये मेरे समझ में आ गया क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि मैंने इमेज को एक विर्थ दी हुई है खास, लेकिन मेरा जो कंटेनर है वो टेक्स्ट की वजह से वो विर्थ आगे बढ़ रही है उसकी, राइट,
अगर मैं और टैक्स लिखूंगा ना ये और आगे बढ़ जाएगा। हाँ जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये मैं इसमें और टैक्स ऐड करूंगा ना ये और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ हो रही है। हाँ तो एक्चुअली मुझे करना ये होगा कि जो मैंने इमेज के ऊपर विर्थ दी हुई है ना वो विर्थ हटा के मुझे इमेज से इमेज के कंटेनर पे देनी होगी, ठीक है, इस तरह की चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। और ये मार्जिन अब इमेज पे काइंड ऑफ कुछ भी नहीं लगेगा यार, इमेज से सभी हट गया, इमेज पे कुछ भी सब कुछ कंटेनर पे लगा दिया मैंने, रिफ्रेश, ठीक है, क्योंकि इमेज पे से मैंने सारी चीज़ें हटा दी। अच्छा कंटेनर तो सही हो गया लेकिन इमेज बहुत छोटी हो गई है, इमेज को इतना छोटा होने किसने बोला यार, 80 पिक्सल की तो नहीं है इमेज, तो काफ़ी बड़ी है मेरी, नहीं ना इमेज मेरी बहुत बड़ी है। वेल मैं ये कर देता हूँ कि इमेज को मैं बोलता हूँ भाई तुम 100% हो जाओ। मैंने क्या इमेज को कहीं पे छोटा किया गया? अरे मुझे याद आ गया, ये मुझे याद आ गया, ये क्यों हो रहा है, ये पता क्यों हो रहा है, ये नीचे जो मैंने किया था ना 80 पिक्सल ये किसके लिए किया था याद करो, ऊपर के लोगों को सेट करने के लिए ना, छोटा करने के लिए किया था मैंने ये। तो देखो अब ये कहाँ पे जाके कॉन्फ्लिक्ट किया इसने, इस इमेज को छोटा कर रहा है क्योंकि ये इन जनरल सब इमेजेस पे लग रहा है, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना होगा कि वो जो मेरा इंडेक्स पे था ना ये लोगो था, क्या था, इमेज था, ठीक है, मैं इसको करूँगा body.nav.img ना, सही है, मैं कहूँगा कि भाई आप किधर हो, बॉडी के अंदर एक नैव है उसके अंदर जो img है ना उस पर आप जाके लगो, सब पे नहीं लगो आप। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये फुल बड़ी हो गई अब इमेज। अच्छा अब तो ये छोटे में ही नहीं आ रही। ठीक है वेल बहुत बड़ी हो गई अब ये इमेज, ठीक है। तो देखो ये छोटी छोटी चीज़ें ना जो मैंने, मुझे पता था शुरू में ही कि ये मैं जुगाड़ कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं फंसेगा जाके। अच्छा इसको भी चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर टॉप पे कर देता, ठीक है। अब मेरी जो गैलरी इमेज कंटेनर था उसको मैंने विड्थ दे दी थी 250 पिक्सल और उसको मैंने मार्जिन वगैरह कुछ दे दिया था, ठीक है। अच्छा अब इसकी जो विर्थ है क्योंकि मार्जिन हमने देखा है कि वो एड अप हो जाता है तो इसकी विर्थ एक्चुअली 260 पिक्सल हो चुकी है ओवरऑल, जो मेरा कंटेनर है उसकी विर्थ क्या हो चुकी है 260 पिक्सल हो चुकी है ओवरऑल, ठीक है, मार्जिन को अगर हम मिला लें तो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, गैलरी इमेज को जाके, क्योंकि गैलरी इमेज इज़ द एक्चुअल इमेज, इसको मैं विर्थ 100% भी दे सकता हूँ, 100% से क्या होगा कि जो भी इसको अवेलेबल बॉक्स है इसका उस पर ये टाइट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अच्छा वो हो तो गया लेकिन बाकी नहीं हुए ना छोटे। वेल अब मुझे करना शायद ये पड़ेगा कि हाँ मुझे सबको ही डिव में पैक करना पड़ेगा। अरे वो तो मैंने दूसरे पेज पे, ये जो है ना ये वाला काम, अब ये वाला काम जो मैंने किया है ये मुझे सबके साथ करना पड़ेगा एक्चुअली, राइट। तो हम सबके साथ ये काम कर देते हैं फिर जल्दी से, क्या कह रहे हो, कॉपी किया मैंने और कॉपी करके मैंने कहा, क्या कह रहे हो, हाँ इसकी या तो क्लास का मुझे नाम अलग करना पड़ेगा, बट मैं सबके साथ कर देता हूँ ना, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये लो भाई ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कॉपी img डब। सही है मैंने सबके साथ कर दिया ये, एक्चुअली मैंने सिंपल क्या किया कॉपी करके सबको और सारी इमेजेस के टैग के नीचे जाके पेस्ट कर दिया, तो ये सबके साथ हो गया तो ठीक हो गया। अच्छा टेक्स्ट का साइज मुझे थोड़ा शायद बोल्ड करना चाहिए, जो दिस इज़ अ फ्लावर लिखा हुआ है उसको क्या करना चाहिए, बोल्ड करना चाहिए मुझे। तो इसको मैं बोल्ड कैसे करूँगा, मैं कहूँगा गैलरी इमेज कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ है ठीक है उसको क्या कर दो, बोल्ड कर दो।
गैलरी इमेज कंटेनर के अंदर जो है जो क्या है पी है उसको मैंने क्या कहा कि अच्छा बोल्ड कैसे करते हैं कौन बताएगा फॉन्ट वेट ठीक है बोल्ड ठीक है फॉन्ट वेट बोल्ड करने से क्या हुआ दोनों बोल्ड हो गए क्योंकि दोनों क्या थे दोनों पी थे अब मुझे कौन ये बताएगा कि ऐसा सेलेक्टर जिससे सिर्फ पहला वाला पी पकड़ में आए अच्छा कैसे लगाऊं प्लस प्लस कैसे लगाऊं क्योंकि देखो अब देखो मैं ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका हूं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर मैं क्या करूंगा अगर इस पी को मैं कोई क्लास देना चाहूं तो मुझे पूरे में पेस्ट करना पड़ेगा जो मैं करने के मूड में नहीं हूं आई एम लेजी टू डू दैट ठीक है मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका हूं मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर चुका हूं अब ये क्लास जो है ना गैलरी इमेज ये तो सब में लगी हुई है गैलरी इमेज कंटेनर भी सब में लगी हुई है बट ये जो पी है ना और ये भी साथ में पी है मुझे पहले वाले पी को पकड़ना है दूसरे को छोड़ना है फिर दूसरे को पकड़ना है पहले को छोड़ना है ये भी करना है मुझे उसके बाद तो मैं इस पहले पी को सेलेक्टर के जरिए ही पकड़ सकता हूँ अगर मैं लेजी रहते हुए इसको कुछ कर पाऊँ तो अदरवाइज फिर वही कॉपी पेस्ट है तो बताओ जल्दी से प्लस किधर लगेगा इसको मैं प्लस लगा दूं ऐसे यहाँ सही है देख लो सोच लो अगर तो ये सही है तो इसका मतलब है कि सिर्फ पहले वाला ही बोल्ड होना चाहिए नहीं हुआ सो जिस पे था उस पे भी अट गया यानी इस सेलेक्टर की जद में दोनों ही नहीं आए चलो भाई अब बोलो भाईजान ये मैंने गैलरी इमेज कंटेनर पे प्लस लगा के पी लगाया है ठीक है तो गैलरी इमेज कंटेनर पे इसका तो कोई सिबलिंग है ही नहीं और इसका सिबलिंग तो ये वाला और ये भी सिबलिंग है इसका सिबलिंग है ना सेलेक्टर प्लस वाला कौन सा है प्लस वाला सेलेक्टर सिबलिंग है कौन सा है ये भी नहीं पता तुम लोग नहीं पता ना तुम लोग एक होता है सिबलिंग एक होता है फर्स्ट चाइल्ड एक होता है एडजेसेंट सिबलिंग एक होता है फर्स्ट चाइल्ड प्लस कौन सा वाला है प्लस को किसको बोलते हैं प्लस मैंने कहा था ना ये रटना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छा चलो सेलेक्टर को छोड़ दो बताओ कि गैलरी इमेज कंटेनर पे मैं सेलेक्टर का नाम बता दो ना नाम से दो ना एडजेसेंट सिबलिंग फर्स्ट चाइल्ड नाम से तो पता है ना तो गैलरी इमेज कंटेनर पे मैं कौन सा सेलेक्टर लगाऊंगा तो मुझे ये पहला वाला पी पकड़ में आ जाएगा फर्स्ट चाइल्ड तो भाई इसका ये है इमेज है सिबलिंग तो इसका तो सिबलिंग इसके नीचे वाला डिव है ना इसका सिबलिंग जो है वो तो इसके नीचे वाला डिव है भाई देखो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा ये मैं बोलूंगा गैलरी इमेज कंटेनर एरो लगाऊंगा चाइल्ड के लिए मैं बोलूंगा आईएमजी ठीक है कि गैलरी इमेज कंटेनर का चाइल्ड आईएमजी उसके बाद बोलूंगा फर्स्ट सिबलिंग तो ये आईएमजी का जो फर्स्ट सिबलिंग है वो ये है हो गया दोबारा जूम करके बता देता हूँ देखो मेरे पास ये वाली क्लास मौजूद है ठीक है मैं इस वाली क्लास पे रहते हुए पकड़ना चाह रहा हूँ इस पी को तो मैं बोलूँगा इस क्लास पे लगाओ फिर मैं लगाऊँगा एंगल ब्रैकेट चाइल्ड के लिए ठीक है इस जो कंटेनर जिस पे लगा वो असल में डिव पकड़ में आ जाएगा ना इस क्लास का नाम लिखूंगा तो कौन पकड़ में आएगा डिव पकड़ में आएगा ना सिर्फ ये डिव बल्कि बाकी सारे भी आ जाएंगे इसका चाइल्ड आईएमजी और आईएमजी का मैं बोलूँगा फर्स्ट सिबलिंग या एडजेसेंट सिबलिंग फर्स्ट सिबलिंग तो कोई सेलेक्टर नहीं होता एडजेसेंट सिबलिंग ही होता है सबका तो मैं एडजेसेंट सिबलिंग इसको बोल दूंगा एडजेसेंट सिबलिंग का सेलेक्टर का वो क्या है मतलब कैरेक्टर कौन सा है उसका प्लस है या ऐसे अलिफ मद्दा वाला है कौन सा वाला है जो आखिर में था वही सही था है तुक्का लगा रहे हो वेल अच्छा एक तरीका और भी हो सकता है इसको पकड़ने का कि मैं ये वाला लिख के और उसका चाइल्ड आईएमजी ना बोलूं बल्कि ये वाली क्लास लगा दूं डायरेक्ट सही है मैं कहूं कि गैलरी इमेज
जब मैं लिखूंगा तो कौन पकड़ में आएगा? IMG पकड़ में आएगा। मैं बोलूंगा IMG का एडजेसेंट सिबलिंग है। ऐसे भी कर सकता हूं मैं, दोनों तरीके हैं मेरे पास, काम दोनों से सेम हो जाएगा। वेल, अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा लंबा वे अख्तियार करना चाह रहा हूं, तो मैं बोलूंगा इसको इसका एरो IMG, ठीक है। मैं कहूंगा गैलरी इमेज कंटेनर का चाइल्ड IMG और IMG पे प्लस P, कि इसका कौन सा वाला है जो सबसे फर्स्ट वाला है, देखते हैं। ये मैं भी सही लगा रहा हूँ, क्योंकि एज फार एज आई रिमेम्बर ये क्या है, एडजेसेंट सिबलिंग है ये वाला। वेल, अगर नहीं होगा तो हम फिर एडजेसेंट सिबलिंग को सर्च कर लेंगे। सही है, वही था, ठीक है। तो ये मेरा बोल्ड हो गया। अब कौन ये बताएगा कि मुझे अब सेकंड वाले को पकड़ना है तो वो कैसे पकड़ में आएगा? कौन सा ऐसा सेलेक्टर है जिससे ये पकड़ में आएगा? नाम से बताओ, सेलेक्टर के लोगों को छोड़ दो, आइकन को छोड़ दो, नाम बताओ। उस सेलेक्टर का नाम तो याद होगा ना, हमने कोई 12 के करीब सेलेक्टर पढ़े हैं। डिसेंडेंट में तो सब आ जाएंगे ना फिर। मैं किसका डिसेंडेंट बोलूँ इसको? क्या गैलरी इमेज कंटेनर का बोलूँ उसको डिसेंडेंट, या गैलरी इमेज का बोलूँ डिसेंडेंट, किसका बोलूँ? हाँ नहीं, तो तुम लोगों से पूछ रहा हूँ ना मैं। तो सेकंड चाइल्ड नाम का कोई सेलेक्टर नहीं है भाई। जनरल सिबलिंग में तो फिर दोनों पी पकड़ में आएंगे। अगर मैं जनरल सिबलिंग लगाऊं एडजेसेंट सिबलिंग हटा के, तो उसमें तो दोनों पी आ जाएंगे ना, क्योंकि दोनों सिबलिंग है। IMG भी आ जाएगा बल्कि फिर तो उसमें। हाँ तो उसी का एडजेसेंट सिबलिंग पकड़ूंगा तो भी आ जाएगा। लास्ट चाइल्ड के नाम से कोई सेलेक्टर होता है क्या? है लास्ट चाइल्ड के नाम से कोई सेलेक्टर होता है? ठीक है, तो इन्होंने जो सजेशन दिया है वो करके देखते हैं पहले। अच्छा, मैं क्या करूंगा, इसी को पूरे को कॉपी करूंगा, और इसी को कॉपी करने के बाद इसमें क्या करूंगा, एक और प्लस पी लगा दूंगा, ठीक है, कि उसका फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट उसका एडजेसेंट सिबलिंग और फिर उसका भी एडजेसेंट सिबलिंग। ऐसे करके मैं एक एक करके आगे बढ़ सकता हूँ जहाँ तक मैं चाहूँ। अच्छा, इस पे आगे मैं क्या बोलता हूँ इसको, कि यार अपना अपना क्या कर दो, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक करवा दिया मैंने, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि भाई उसी पे लग रहा है, पकड़ में आ गया मेरे, ठीक है, समझ में आ गया। सेलेक्टर जहाँ पे काम पड़ता है ना सेलेक्टर का, वहाँ पे फिर वही लगता है, कोई दूसरा नहीं लग सकता फिर, ठीक है। ऐसा शुरू में शायद लग रहा होगा यार सेलेक्टर का क्या काम है, इतने सारे बिला वजह बना दिए, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टर जहाँ पे लग रहा है वहीं सेलेक्टर ही लगेगा फिर वहाँ पे। वेल, अच्छा, अब इसमें ना कुछ ऊपर नीचे मार्जिन आया हुआ है बिला वजह का, इसको मैं हटा सकता हूँ क्योंकि दोनों पकड़ में आ चुका है मेरे पास। ऊपर नीचे बिला वजह का मार्जिन है, इसको कम कर सकता हूँ या बिल्कुल हटा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ ही हमारा जो टाइम है वो भी कंप्लीट हो गया है। होपफुली अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। मैं कोड आपको पुश कर देता हूँ। अच्छा, सब लोगों को ये पता है ना कि कोड जो है वो कहाँ पे पुश होता है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पता ना हो? अच्छा, मैं बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता है कि कहाँ पे होता है। गिटहब में जाओगे, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, इंजमाम लिख के सर्च करोगे आ जाएगी, ठीक है। रिपोजिटरीज में जाओगे, उसके बाद ये रिपोजिटरी टॉप पे आ रही है। अच्छा, टॉप पे ये इस वजह से आ रही है, अभी मैंने इसमें कोड पुश किया है इस वजह से ये टॉप पे आ रही है। तो अगर ज़ाहिर है ये हमेशा टॉप पे नहीं रहेगी, तो लिख के सर्च करोगे सैलानी बैज एड, या जस्ट अगर क्लास भी लिख दोगे तो जितनी क्लासेस मैं ले रहा होता हूँ वो सारी आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ढूंढ सकते हो तुम अपनी वाली, ठीक है भाई। अच्छा, अब इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम क्लास को एंड करते हैं। कोड पुश कर चुका हूँ मैं। अच्छा, बुक का हमारा यार कौन सा चैप्टर हो चुका है, याद है किसी को? नहीं, उसका नंबर क्या था चैप्टर का? 14 था ना। हाँ, बस यार हम दो चैप्टर और पढ़ेंगे उसके, अभी मैं वो नाम भूल रहा हूँ, खोल लेता हूँ ना बल्कि उसको मैं, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, एक बात डिस्कस हो जाए लास्ट। अबे यार ये क्या सीन, डेस्कटॉप
बुक्स चैप्टर नंबर 15 है भाई, लेआउट सही है। अच्छा इमेजेस हम पढ़ेंगे, HTML5 लेआउट जो है ना ये हम पढ़ेंगे नहीं, हम ये गो थ्रू करेंगे क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी अभी जो पढ़ रहे थे वो यही था असल में। अच्छा इमेजेस हमारा रह गया और HTML5 लेआउट रह गया। नहीं प्रोसेस एंड डिज़ाइन और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ये आपके अपने पढ़ने की चीज़ है, हम यहाँ पे इसको कवर नहीं करेंगे। टेस्ट आपका जो है ना जब अनाउंस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने चैप्टर्स का है। लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ था वो 14 चैप्टर्स का हुआ था, लेकिन होपफुली इस दफ़ा जो होगा वो 16 तक होगा। ठीक है, तो आपको ना जो लेआउट वाली चीज़ है ना, जैसे पोजिशनिंग वगैरह अभी हम उसमें कवर कर लेंगे वो, कि जो चार तरह की पोजीशन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी ना वो है। अब यहाँ पे भी इन्होंने एक लेआउट बनाने का तरीका बताया हुआ है जो क्लासिक तरीका है, जो फ्लैक्स बॉक्स से पहले ये तरीका इख्तियार किया जाता था अभी भी ये वैलिड है, अगर आप अभी बनाते हैं तो अभी भी ये चलेगा। तो एक क्लासिक लेआउट का एक तरीका आपको बताया हुआ है और इसमें डिफरेंट पोजिशनिंग भी गालबन इसी चैप्टर में डिस्कस की हुई है। ये रहा पोजिशन स्टेटिक है, पोजिशन जो एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, फिक्स है। तो ये पोजिशनिंग वगैरह भी होपफुली इस दफ़ा 16 चैप्टर्स का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ईद के फौरन बाद होगा। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है कि भाई आखिरी अशरे की ना छुट्टी की इन्होंने कुछ डेट बताई थी वो मैं भूल गया हूँ। ठीक है, आखिरी अशरे अभी कौन सा आज रोज़ा कितना है आज 16। हाँ तो अभी आपका जो आज 16 है ना रोज़ा, 17 और उसके बाद 18, तो 20 को 18वां रोज़ा होगा गालबन। ठीक है 17, 18 और उसके बाद 19 और 20 जो है वो 22 को आ रहा है। तो इत्तगाफ में जो बैठा जाता है वो 20 रोज़े के अफ्तार के बाद बैठा जाता है ना, तो 22 को क्योंकि आप मॉर्निंग में आते हैं तो 22 तक आप आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये कंसिडर करें कि 22 तक आपकी क्लास होगी। वेल मैं वो डेट भूल गया हूँ जो मुझे उन्होंने बताई थी, कुछ वॉइस मैसेज वगैरह किया था। तो अभी तो अगली दो क्लासेस तो आपकी है ही हैं, वो तो कहीं नहीं जा रही, तो अगली दो क्लास तक प्लीज़ पैनिक मत कीजिएगा। और उससे पहले ही इंशाल्लाह वो मैं ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा, जो अगर उनकी तरफ से कुछ आ गया तो। कुछ उन्होंने वॉइस मैसेज किया था, मैंने सरसरी से सुना था तो मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आया कि वो भूल गया जब भी मैं। वेल तो अगली क्लास में हम जैसे ही आएंगे, हम जैसे ही मिलेंगे, तो हम ये जो दो चैप्टर हमारे रहते हैं, जो बॉक्सेस हम पढ़ रहे हैं जो कि 13 और 14 और 15 और 16, ये तीन चैप्टर हम कोशिश करेंगे जल्दी से हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, इजाज़त है आप लोगों को।